हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और भाई स्वागत है आप सभी का आज की स्ट्रीम में। और बहुत ही स्पेशल गेम आज हम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ड्रीम क्रिकेट चैंपियनशिप 2024। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर ले रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कैमरा ऑन रहेगा नहीं जब हम मैच में जाएंगे। तो भाई ये जो कन्वर्जेशन है कैमरे में वो यहीं पर होने वाला है, इसके बाद हम लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। स्वागत है भाई सभी का जो भी लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं। सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई फट से लाइक मार दो, झट से लाइक मार दो। कल तो भैया महेंद्र सिंह धोनी की भी बैटिंग आ गई तो अभी इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो दो टुकड़ों में बट चुके हैं। आपके लिए टीम इम्पॉर्टेंट है या प्लेयर इम्पॉर्टेंट है, तो ये कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पर कल के इनिंग के बाद से। ये बात अलग है कि फुल लेंथ गेंद पे मारा था सारे के सारे शॉट, बट ठीक है वो एक अलग ही कन्वर्जेशन हो जाता है। श्रेयांश एबीसी क्रिकेट, प्रियांशु कश्यप, इस्बीना, अंकित वर्मा, स्टार गेमिंग, आदित्य बनर्जी, सुमन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। भाई थैंक यू सो मच सभी लोगों का भाई यहाँ पर जिन लोगों ने स्ट्रीम को ऑन किया हुआ है। कुछ है नहीं मेरे को कहने को, मैं सीधा यहाँ पर स्क्रीन चेंज करूँगा, हम लोग सीधा हमारी गेम चालू करेंगे एंड लेट्स सी किस तरह से हम लोग खेलते हैं आज का गेम, क्योंकि आज मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। अभी आप देखोगे स्ट्रीम को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई जो भी लोग देख रहे हैं लाइक कर देना। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और साथ ही साथ कैमरा भाई यहाँ पर नहीं रहेगा। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पर, दो तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है मैं टूर्नामेंट खेलूँ, मेरे पास इतने कॉइन तो हो चुके हैं कि मैं टू ओवर्स वाला टूर्नामेंट अनलॉक करा सकूँ एंड उसके बदले 270 मैक्स प्राइज ले सकूँ। उसके अलावा 5 ओवर का भी टूर्नामेंट अनलॉक हो चुका है एंड 1 ओवर का भी सुपर ओवर टूर्नामेंट हो चुका है। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहला मैच जो है इसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है वो मुझे देखना पड़ेगा। लाइनअप्स मेरी कुछ ऐसी है, ईशान शर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन, रोहित शर्मा, एन धीर, ब्रिविस, तिलक वर्मा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, बट चेंज कर करके भी सिर्फ अधिक से अधिक बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं किसी ऐसा कोई प्लेयर है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है मैं तिलक वर्मा को ऊपर भेज रहा हूँ अगर ये मेरे को सिलेक्ट करने देता है तो, नहीं करने दे रहा। एंड हियर कम्स द राजस्थान प्लेइंग 11। ठीक है भाई चलो मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पे गेम। मैं बन रहा हूँ आज के मैच में, मैं चाहता हूँ मुंबई जीते आज का मैच और देखते हैं किस तरह से खेलते हैं हम लोग। एटलीस्ट एक मल्टीप्लेयर मैच खेल दूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि भाई किस तरह से खेलने वाले हैं हम लोग। 5 ओवर का गेम प्ले मैं नहीं करने वाला हूँ भाई, या तो 2 ओवर होगा या तो 1 ओवर होगा, उससे ज़्यादा का गेम प्ले होगा नहीं, क्योंकि आज की स्ट्रीम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि भाई आप 5 ओवर का गेम प्ले कर पाओ ज़्यादा देर तक। तो हम लोग 2 ओवर्स का गेम प्ले करेंगे। आपने कह तो दिया भाई लेकिन दिखता नहीं है वो सपोर्ट आपका। ठीक है भाई, लाइक काउंटर पर मैं अपना लाइक जो गोल है वो अपडेट करता हुआ। किसी लाइव बंदे के साथ लाइव मैच होने वाली है यहाँ पर कुछ ही देर में, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम तो जिस बंदे के साथ मैच हुई थी उसने कमेंट करके वीडियो पर कमेंट किया कि भाई मैं वही बंदा हूँ जिसके साथ आपका मैच हुआ था और मैंने उसको हरा दिया था, तो उसने लिखा था कि भाई आप अच्छा खेले थे। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी ड्रीम क्रिकेट की उनको पता होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे मुझे बंदे मिल नहीं रहे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। आई थिंक इस वक्त ज़्यादातर लोग गेम खेल नहीं रहे ये वाली, इस कारण से ज़्यादातर ऑडियंस मिल नहीं रही है हमको। बीच बॉय यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं मुंबई हारेगा आज भी रियल में। मेरा प्रेडिक्शन तो आ चुका है मॉर्निंग का, और एक चीज़ अजीब है इस गेम में हर बार 11 सेकंड में ही कैसे बंदे मिलते हैं। 11 सेकंड से पहले कभी बंदे नहीं मिलते, 11 सेकंड के बाद कभी बंदे नहीं मिलते, हर बार 11 सेकंड में ही बंदे मिलते हैं। आवाज़ का है एकदम स्लो है, अब आई ना आवाज़ भाई। हेड्स के साथ जा रहे हैं, मैं रन चेज, चलो कुछ भी चलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज हेड्स एंड मैं यहाँ पर रन चेज करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, दिस इज द लाइव मल्टीप्लेयर गेम, यहाँ पर रियल बंदों के सामने हम MI वर्सेस RR की टीम का मैच खेल रहे हैं। एक बात बता दूं आपको, ये जो मैं खेलने वाला हूँ वो एक्चुअल स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। हर बार 24 घंटे के बाद ड्रीम क्रिकेट गेम के अंदर आपको अपडेट आती है कि भाई कौन सी टीम आज जीती है। कमेंट्री ऑफ कर दो भाई, मुझे कमेंट्री नहीं चाहिए। एक और बात, दिस इज द मल्टीप्लेयर गेम, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं प्रो कंट्रोल ऑन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आता है सीम अप रखा है एंड रनअप के लिए जा रहे हैं हम लोग। टाइम ऑन अ ग्रीन फॉर अ परफेक्ट गेंद, दिस इज द परफेक्ट बॉल, फ्लिक किया है लेकिन भाई बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है यहाँ पर, 4 रन लगा दिए स्क्वायर लेग पर से। और आई थिंक वॉइस इसके अंदर नहीं है ना, वॉइस वाला ऑप्शन नहीं है भाई, कोई बात नहीं। अभी अभी एक कमेंट आई है कि भाई अगर आप देखते हो तो रियल क्रिकेट 24 के बाद ड्रीम क्रिकेट 24 इज़ द बेस्ट क्रिकेट गेम। छोड़ो भाई, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में,
सिंगल लेंगे शायद। हाँ सिंगल लिया है, डबल की कोशिश पता नहीं क्यों नहीं की। आई थिंक ऑटो रनिंग रखी होगी इन्होंने। अंकित कह रहे हैं आपके ग्राफिक्स अल्ट्रा है। हाँ भाई वही ग्राफिक्स है जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में रखे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ठीक है, सेम ग्राफिक्स जो आपने लास्ट टाइम देखे थे मेरे वीडियो में, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट ग्राफिक्स हैं। और आप में से कितने लोगों ने भाई ड्रीम क्रिकेट ट्राई की है, एंड आप लोगों को क्या रिव्यू रह रहा है भाई, कि अच्छा लगा आपको गेम, बेकार लगा गेम, एवरेज गेम लगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इस टाइप का एटीट्यूड है आपका। ड्रीम क्रिकेट 24 में आज भी एक अपडेट आया था 7 MB का, 6.5 MB का, बार बार फ्लिक मार रहा है बंदे, और कोई शॉट नहीं आता क्या इसको। ये दूसरा चौका है और ये चार गेंदों में कितनी गेंदें डाली है, हाँ चार गेंदों में से तीन शॉट तो भाई साहब ने यहाँ पर जो लिए हैं वो फ्लिक ही लिए हैं, तो बहुत अजीब सा है इंसान। कमेंट आ रहा है RC24 DC24 में कौन सा गेम बेहतर है। भाई पहली बात तो जो गेम आप ज़्यादा खेलोगे वो अच्छा नहीं लगेगा। DC24 में चार दिन खेल लूँगा तो मुझे बेकार लगेगा, अनलेस उस गेम में सही में इतना डीप हो कि वो खेलने में मजबूर कर सके। कमेंट आ रहा है अपडेट के बाद ग्राफिक्स थोड़े लो हो गए। भाई मेरे में तो पहले से ही लो चल रहे हैं, अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था अल्ट्रा ग्राफिक्स का। बीच बॉय कह रहा है मैं ड्रीम क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। भाई कोई रीज़न है ना खेलने का, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना ही मुझे कुछ नुकसान होगा अगर आप खेलोगे तो। बट क्यों नहीं खेलते भाई, क्योंकि दिस इज़ द फ्री गेम, इसमें कोई एडवर्टाइज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी और तगड़ी बैटिंग, तगड़े शॉट, 6 रन, ये बंदा भाई मेरे ख्याल से मुझे हरा सकता है। जिस तरह से खेल रहा है मतलब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये नहीं मालूम, हाँ ठीक है मैंने यहाँ पर कुछ चुना ही नहीं है। एक और बड़ा शॉट, एक और परफेक्ट टाइमिंग, स्पिनर को ला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विजिबल गेमिंग कह रहे हैं कि मुझे RC24 ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बढ़िया भाई, पर आपने खेला कितना है, कौन से लेवल पे हो वो भी बता दो, तो हम लोगों को पता लगे कि हाँ अभी तक आप खेल रहे हो एंड यू लव RC24। जैसे कई लोग हैं जो 5 लेवल पे हैं, 6 लेवल पे हैं, 10 लेवल पे हैं। बैटिंग भाई, बैटिंग होती है, इसे कहते हैं परफेक्ट बैटिंग। विजिबल गेमिंग कहना रियल क्रिकेट 24 अलग ही लगता है, रियल जैसा पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, गुड। नहीं हाँ भाई आप सबकी अपनी सोच है, मैं रियल गेम कह रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई कि रियल लाइफ जैसा लगता है, बट हाँ हो सकता है। अरे कितने चौके मारेगा मेरे सामने ये बंदा, क्या नाम है, इसका नाम ही मेरे को नहीं पता अभी तक। रुको मैं इमोटिकॉन डाल दूँ गुस्से वाला इसके लिए, इसका नाम मुझे नहीं मालूम कहाँ लिखा हुआ है। लास्ट बॉल आ रही है, लास्ट 2 गेंदें आ रही हैं, ठीक है एक गुगली बनती है यहाँ पर, एंड कहने के लिए मैं परफेक्ट गेंद डाल रहा हूँ बट उसका टाइमिंग मीटर इतना परफेक्ट है और एक तरीके के शॉट ले रहा है। जो भी बंदा मेरे सामने है भाई, एक बात तो कन्फर्म है कि वो बंदा है ना ये गेम बहुत खेलता है, इसलिए वो उसको पता है कब कौन से शॉट लेने हैं, वो अंधाधुन नहीं खेल रहा, उसके कोई भी शॉट अंधाधुन नहीं है, सारे शॉट वो गैप में खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई बार टाइमिंग मिस कर दिया। और ये कहाँ मारा था फाइन लेग और कहाँ जा रहा है स्क्वायर लेग, अलग ही है भाई गेम। बट एक खतरनाक स्कोर डाल दिया है, मोस्टली ऐसा स्कोर जो मेरे लिए जीतना मुश्किल होगा यहाँ पर। 12 गेंदों में 40, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा चेज नहीं किया, ऊपर से मैं खेल रहा हूँ। अरे भाई कैमरा सही कर ले, अरे कैमरा तो सही कर लेता। परफेक्ट शॉट, अरे कैच आउट, डायरेक्शन गलत कह रहा है यार, क्या मजाक है भाई। टॉप ऑर्डर का बचना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर आपका टॉप ऑर्डर खत्म हो गया तो सब गड़बड़ है। और कैमरा सही कर भाई तू, अरे यार भाई ठीक है अभी ठीक है, लॉफ्टेड है, अर्ली शॉट, रन दौड़ाया है, एक ही मिलेगा वो भी बहुत मुश्किल से। भाई नहीं जीत रहे, 40 रन मारना 10 गेंदों में 39 मारना बहुत मुश्किल होने वाला है। रोहित शर्मा ऑन द स्ट्राइक, ये बंदा है जो रन मार सकता है इजीली, वो भी परफेक्ट, एक छक्का लगा दिया है भाई, कम ऑन 4 छक्के और लगा दो यहाँ पे, पक्का है 30 रन हो जाएंगे, फिर तो चिल मार के खेलना। और पावर प्ले है तो पहली ओवर में तो आप एटलीस्ट मार ही सकते हो, जितने दम है उतने दम से। एक और, ये क्या आ रहा है, रिस्की जोन्स एक्टिवेटेड, ये क्यों है। बॉलर डिड परफेक्ट रिलीज, अच्छा परफेक्ट गेंद पे ऐसा होता है कि आपका टाइमिंग मीटर के करीब में रेड जोन आ जाता है, अगर आपने रेड जोन में रोका टाइमिंग मीटर तो कैच आउट होगा। अरे भाई बहुत जबरदस्त लॉजिक मल्टीप्लेयर का, मेरे हिसाब से तो गलत गेंद है। एक और छे,
अब पहली बैटिंग कर तो ली उसने, कॉन्फिडेंस भी उसने, अरे यार चार रन, हाँ सामने से सिक्स नहीं जाते, सामने से सिक्स नहीं जाते भाई इस गेम में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। छह जाना चाहिए था, ठीक है, अभी भी सामने गैप है। थर्ड मैन इसने गेंद नहीं दी एक भी मेरे को, दे दी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप इस समय दुनिया के सबसे बेस्ट ड्रीम क्रिकेट के प्लेयर को देख रहे हो, सुन रहे हो, देख तो नहीं रहे क्योंकि वो कैमरा बंद है उसका मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। क्या तगड़ी बैटिंग की, लेकिन अभी भी 23 का रन रेट हुआ, 6 में 17 फील्डिंग में कोई चेंज नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट परफेक्ट मीटर बहुत छोटा है इसका। और विकेट गिरेंगे, अरे यार एंड धीर आउट, अरे रोहित को लाओ स्ट्राइक पे, रोहित इज द ओनली पर्सन हु कैन चेंज द गेम फ्रॉम हियर। अगर रोहित आ जाते हैं तो स्ट्राइक पूरा बदल जाएगा। ब्रिविस आए हैं, ठीक है, परफेक्ट मीटर उनसे बेहतर है, रोहित से बेहतर है। स्ट्रेट मेरे पास बहुत अच्छा मौका है गैप मारने का, पता नहीं गेंद देगा कि नहीं। हाँ दी अगेन, और सिंगल ही लेना, ट्रिपल लेने का मूड है, ले 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 ले, ट्रिपल ले ले, ट्रिपल ले, ट्रिपल ले, ट्रिपल ले, ट्रिपल ले, ट्रिपल ले, आउट होगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे स्ट्राइकर हैंड पे दी थी, रोहित आउट हो जाते भाई, बच गया, लेकिन मैंने गलती कर दी यार, स्ट्राइक रोटेशन में 4 में 15 करने अभी भी। और अर्ली शॉट 4 है यार ये तो, हाँ 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 डिजर्व करते हैं बाउंड्री, रुक जाए तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, बट 3 रन जरूर लेना। थैंक यू रोहित ऑन द स्ट्राइक, डाइव मार के पूरा करेंगे भाई हम लोग, सुपर। 3 गेंदों में 12 रन करने हैं, रोहित शर्मा ऑन द स्ट्राइक है, सबको पता है इनका परफेक्ट मीटर कितना सुपर है। क्विकर डाल दिया, परफेक्ट शॉट लगा दिया है, एंड जब आपके पास इस लेवल का प्लेयर हो रोहित शर्मा नाम का, ईशान किशन होते तो भी थोड़ी मजा आती, बट वो आउट हो गए थे भाई हम, ठीक है। लॉफ्टेड खाली है भाई, फील्डिंग बहुत कमाल की, 2 में 6 चाहिए, खेलने को तो अभी भी बहुत कुछ है, बट जब आप इतना बढ़िया बैटिंग कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आज आपको हरा सके। 6 लगा दिया है यहाँ पे लॉन्ग कवर के ऊपर से, एंड क्या बेहतरीन बैटिंग हो भाई, कितना मजा आया इस मल्टीप्लेयर मोड को खेल के, जहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जीत पाऊंगा यहाँ पर, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे मैच को जीत गए, बहुत शानदार जी। 40 रन मैंने मल्टीप्लेयर में पहली बार किए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने लाइव स्ट्रीम में किया, नहीं तो कई लोग बोलते शायद कि भाई आपने एक बार खेला होगा, शायद दूसरी बार आपको मौका नहीं मिला होगा या जो भी है, बट नहीं भाई इस बार मैंने पूरा अच्छे से खेला है, आपके सामने ही खेला है। अल्ट्रा ग्राफिक्स है, म्यूजिक मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि पूरी तरह से कॉपीराइटेड है, आई एम श्योर कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है भाई, हम लोग जा रहे हैं एक और IPL का मैच लगाने, पूरी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं हम लोग, 2 ओवर्स की, कॉन्फिडेंस बहुत भरपूर है भाई। मैं कौन सी टीम बनूँ ये मुझे बता दो, चेन्नई बनूँ, दिल्ली बनूँ, कोलकाता बनूँ, मुंबई बनूँ, पंजाब, राजस्थान, बैंगलोर या हैदराबाद। 8 टीमें हैं, गुजरात एंड लखनऊ नहीं है कि है, अरे अच्छा हाँ ये 2008 चल रहा है, इसलिए 2008 चल रहा है, और साथ में 2009 भी आ रहा है, ये रहा ये 2009 भी चल रहा है यहाँ पे, चाहो तो आप फ्री में टिकट्स अर्न कर सकते हो, बट 2008 में सिर्फ और सिर्फ 8 ही टीमें होती थी, इसलिए 8 ही टीमें आप खेल सकते हो, 8 से ज़्यादा टीमों के साथ आप नहीं खेल सकते। तो जल्दी से भाई मुझे बता दो मैं कौन सी टीम बनूँ। ठीक है, पहली 2 कमेंट CSK आई है, 4th कमेंट भी CSK आई है, DC, SRH, RR, RCB, SRH, KKR, मुंबई, पंजाब, CSK, चेन्नई, CSK, आई थिंक CSK बाजी मारने वाली है। एंड एक चीज़ नोटिस करने लायक है, दूसरे नंबर पे RCB, MI का कहीं नामो निशान नहीं है भाई। एक समय था, मतलब अब तो वो समय बीत चुका है, बट एक समय था जब भाई, मतलब यकीन नहीं हो रहा मेरे को, बट यस एक समय था जब हम लोग, मतलब गारंटी है कि CSK और MI का ही वोट आएगा, अभी एक वोट नहीं आया MI को भाई, धक्का लगा है मेरे को। चेन्नई बन रहा हूँ, 60 कॉइन मेरे जा रहे हैं, 2 ओवर का गेम प्ले है, 60 रुपीज़, 60 कॉइन है मेरा प्राइस, एंड मैं लाइनअप चेंज करूँगा, मेरे को रेटिंग दिखाओ, चेंज होती है कि खाली नाटक है गेम का, चेंज नहीं होती भाई, खाली दिखावा करता है। 15 टिकट मिलेंगे मुझे, कम से कम यहाँ पे 4 मैचेस जीतने होंगे अगर मुझे वसूल करने हैं 60 टिकट कम से कम। सामने राजस्थान आई है, अब एक चीज़ आप नोटिस करना, क्या ये पुराना वाला राजस्थान है या नया वाला है, मैं स्किप टू टॉस कर रहा हूँ, जो आएगा मंजूर है, ऐसे भी मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं चाहता लेकिन रनचेज करता मैं, मेरा मेरे ऊपर होता ना तो मैं रनचेज करता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितना डिफिकल्ट होगा ये गेम, और हाँ डेफिनेटली आसान तो नहीं होने वाला, ये पक्का है ये गेम आसान नहीं होने वाला। स्ट्रेट शॉट, क्या सीधा शॉट मारा है, और एक और बात, इसके अंदर कोहली का भी शॉट है, किस्मत रही तो दिखाऊंगा मैं आपको, कितना बढ़िया मारा यार, मतलब कैमरामैन के कैमरे को हिट करते हुए गई है गेंद। और भाई मैं 3 दिन के बाद अपने जिंदगी का पहला IPL का लीग मैच देखने जा रहा हूँ, सब बोलेंगे भाई अगले अगले साल कौन सा गेम देखा था, अगले साल मैंने प्ले ऑफ देखा था भाई, फाइनल देखा था,
वो लीग मैच नहीं था, तो फर्स्ट टाइम होगा कि मैं आईपीएल का लीग मैच देखने जाऊंगा। 3 दिन और, 2 रन निकालें, मुझे कितने रन करूंगा तो पता नहीं यार, इस गेम में कितने रन इनफ हैं कितने रन अधूरे हैं पता नहीं। खेलने के पहले तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, बट टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो रहा है। इससे अच्छा मैं मल्टीप्लेयर में खेल रहा था लाख गुना। इस गेम का प्लेयर एनिमेशन रियल जैसा लगता है। देखो भाई, आप कोई भी गेम पहली बार डाउनलोड करोगे ना, पहली बार डाउनलोड करोगे, अगर वो गेम ठीक है, क्रिकेट का गेम है और ठीक गेम है, तो आपको मोस्टली अच्छा लगेगा वो। देख लेना, आप कभी भी कोई भी नई गेम ट्राई करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल CCL ले लो, CCL का गेम मैंने खेला था पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार खेला उतना अच्छा नहीं लगा जितना पहली बार लगा था। तीसरी बार खेला तो मुझे उसमें बहुत कमियां दिखने लगी। चौथी पांचवी बार तक पहुंचा ही नहीं गेम। बट कुछ इस तरह का सिनारियो बैठता है, कैच मत करवाना। एक चीज़ अच्छी है, कैच नहीं हो रहे, क्योंकि पार्थिव पटेल और मैथ्यू एडन दोनों की रेटिंग है अच्छी खासी है। ठीक है, अब मैथ्यू एडन को मिल रही, इसको पहले मिलनी चाहिए थी स्ट्राइक। दोनों लेफ्ट हैंडेड, एंड भाई प्लेयर भी पुराने हैं गेम में, पहले ही बोल दूँ, इस गेम में प्लेयर भी पुराने। एक भी परफेक्ट शॉट नहीं लगा मेरा, एक भी परफेक्ट शॉट नहीं लगा। हाँ पहला लगा था शायद, हाँ पहला लगा था, लेकिन उसमें भी 4 मिला था। यहाँ पर कमेंट आ रहा है RC25 का अपडेट आ रहा है। भाई सुबह की वीडियो में कुछ लोग कहे थे RC25 खेलो, भाई मेरे पास कोई लिंक नहीं है कहाँ से क्या है। मुझे अगर आप लिंक डायरेक्ट भेज सकते हो तो मैं ट्राई करूँगा, बाकी मुझे पता नहीं भाई क्या कहाँ कैसे कैसे करना है। परफेक्ट शॉट चाहिए, परफेक्ट शॉट चाहिए भाई। सिंगल डबल से गेम नहीं बढ़ानी आगे, डबल तो लेंगे ही लेंगे, ट्रिपल के लिए भी डेफिनेटली जाने वाले हैं, पूरा दम लगा दिया है। यस 3 रन आएंगे यहाँ पर इस गेम में। कैच ड्रॉप अंकित कह रहे हैं, ओके कह रहे हैं कि RC में बैटिंग स्टांस। भाई RC मैंने बहुत खेला, मैं अभी के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहता था, इसलिए मैं RC खेल नहीं रहा हूँ। और रे 6 मारना भाई, मुझे लगा था इजी गेम मोड होगा, ये तो काफ़ी टफ गेम मोड है। मतलब मैंने मल्टीप्लेयर में इससे 3 गुना रन मार लिए थे, लगभग 40 मार लिए थे मैंने, लगभग 40 के करीब पहुंच चुका था मैं। और यहाँ पर हालत इतनी गंदी है। कोहली शॉट, अरे नहीं लग रहा है कोहली शॉट, नॉर्मल शॉट नहीं लग रहा, कोहली कहाँ से लगेगा भाई यहाँ पर। RC24 का कोई अपडेट न्यूज़? अरे नहीं भाई, कोई अपडेट न्यूज़ नहीं है। मैं अपडेट के बारे में RC24 की अभी बात भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। एज एज और अंडर द, सीधा हाथों में गई है भाई। प्लेयर अंडर द बॉल था और उसके लिए बहुत आसान कैच, अननेसेसरी का गिरा है वो, जरूरत थी ही नहीं। और बैट की आवाज़ कितनी अलग आई, देखा। RC24 का न्यू अपडेट कब तक आएगा? कौन सा न्यू अपडेट भाई, कौन सा न्यू अपडेट, कोई नई अपडेट नहीं आने वाली भाई। उसी के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ मैनेज होगा, रुपए रुपए लगा के कुछ होगा जुगाड़। मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है किस सिस्टम से आएगा, लेकिन हाँ क्योंकि 100 लेवल तो हो चुके हैं, 100 लेवल तक तो आपको RCPL 23 मिलता है, तो RCPL 24 का क्या जुगाड़ होगा वो देखना होगा मेरे को। क्या रुपए का सिस्टम होगा, क्या फिर लास्ट गेंद आ रही है, बर्बाद किया मैंने पूरा, एक भी शॉट प्रॉपर नहीं लगे और जाते जाते विकेट भी गंवा दिया है मैंने। 3-2-1-6, भाई मेरे कैसे वसूल हो गए 60 क्रिकेट। आप लोग मत ट्राई करना भाई ये गेम मोड। डेविल ऑफ किंग ने सब्सक्राइब किया है भाई, थैंक यू सो मच। तो हमारा पहला डिफेंड आ रहा है आईपीएल 2024 में। एक बात बता दूं, ये नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, तो अगर आप इसमें हार गए तो भैया आपका सफर पूरा हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और इन्होंने पहली ओवर पता नहीं किसको दे दी है, मुरलीधरन को दे दी। अबे पहली ओवर में मुरलीधरन कहाँ से ले आए, और इतने सारे फील्डर पीछे क्यों रखे हो? 4 फील्डर पीछे रखे थे, ठीक है यहाँ रख सकते हो आप, स्लिप की ज़रूरत नहीं है भाई। कस्टम फील्डिंग नहीं है क्या? अरे हाँ, ये भी तो नाटक है, कस्टम फील्डिंग नहीं है गेम में। ठीक है, मैं अपने तरीके से परफेक्ट गेंद रखता हुआ, मुरलीधरन आ गए, रियल एक्शन ओरिजिनल वाला। बट गोरे हैं थोड़े थोड़े, नहीं बहुत गोरे हैं, बट ठीक है। आयुष में अपडेट कब आएगा? आयुष की कुछ पड़ी नहीं है भाई, आयुष का कुछ ऑडियंस नहीं है यहाँ पर। आयुष में ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेवलपर्स को ज़्यादा, बल्कि अननेसेसरी का मेहनत ही है। RC में, आयुष में कौन गेम खेलता है भाई? बना भी देंगे तो कौन खेल लेगा ज़्यादा, और कौन खेल भी लेगा तो इतना तो खेलेगा नहीं जितना एंड्रॉयड वाले खेलते हैं। एंड्रॉयड वाले 6 घंटा खेलते हैं, 8 घंटा खेलते हैं, आयुष वाले हफ्ते में शायद आधा 1 घंटा खेलते होंगे। आयुष में कौन गेमिंग करता है भाई? बैटरी नहीं रहती उसकी, गेमिंग क्या करोगे आप भाई? बैटिंग बहुत गंदी है, चलो अच्छा है। मुकेश भाई बोल रहा है जिसका 100 लेवल होगा उसको फ्री में मिलेगा RCPL 2024। हाँ ये भी हो सकता है, और आई थिंक इस तरह का होना भी चाहिए।
हो सकता है शायद इसीलिए अभी तक लॉन्च ना किया हो, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं वो लोग। कमेंट आ रहा फीफा का कॉपी है गेम। अरे भाई छोड़ो यार फीफा, फीफा फीफा मैंने खेला नहीं है तो मैं क्या कमेंट करूँ फीफा पे। हम अगर कॉपी है भी तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर किसी सक्सेसफुल गेम का कॉपी कर रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत अपना फेवर भी डाल रहे हैं, फ्लेवर डाल रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। और फाइनली बड़ा हिट, किस्मत देखो, 4 गेंदे डॉट खेलने के बाद एक छक्का मार दिया, एक और छक्का मार दिया तो रन रेट बराबर हो जाएगा रिक्वायर्ड। लास्ट गेंद आ रही है एंड मैं टॉप स्पिन डालना चाहूँगा, मेरे को मालूम नहीं है इसके बाद कौन सा गेंदबाज है मेरे पास, तो देखना पड़ेगा। और मैंने एक गलती और की, मैंने सारा ओवर है ना एक ही पेस से डाला है, मेरे को थोड़ा सा पेस चेंज करना था शायद। चलो भाई 6 रन के साथ ओवर पूरा हुआ है, रिक्वायर्ड रन रेट 6 गेंदों में 14 रन, मतलब 3 गेंदों में फिनिश हो सकता है। मुझे कुछ भी करके कुछ डॉट गेंदें डालनी होंगी। ठीक है मैं स्पिनर को ही ला रहा हूँ, मेरे पास अश्विन है, अश्विन 2008 में भी खेलते थे, रविचंद्रन अश्विन, देखो अभी भी है एंड इस गेम में है। अस्नोटकर आ रहे हैं, सही है, प्लेइंग 11 तो काफ़ी सही बनाया है गेम में, इसमें कोई डाउट नहीं। पेस बढ़ा देना भाई, हाँ 95 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ स्पिन करा रहे हैं। अब पेस का देखना होगा, पेस का क्या फ़र्क पड़ता है। कमेंट आ रहा है प्रो कंट्रोल आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्या ही कर लोगे भाई, प्रो कंट्रोल आएगा तो भी क्या कर लोगे, प्रो कंट्रोल आएगा तो कुछ और कमी दिखेगी आपको। मेरे लिए अभी देखो इस गेम की प्रो कंट्रोल में, एक्चुअली मैं कहूँ तो प्रो कंट्रोल की ज़रूरत पता नहीं है कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इतनी ज़्यादा ज़रूरत है प्रो कंट्रोल की इसको, क्योंकि इसमें जो शॉट आप खेलते हो लेग स्टंप पे तो लेग स्टंप पे जाता है, ऐसा नहीं है कि लेग स्टंप का शॉट खेल रहे हो तो वो पता नहीं कौन सा शॉट ले रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है इस गेम में, तो ये बात मुझे सही लगी है। 2 गेंदों में 4 रन, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई 12 का ही रिक्वायर्ड रन रेट है, तो अगर आप इस तरह से इनको बैट पे गेंदें देते रहोगे, वो एक गेंद के गैप में अगर छक्के मारता रहेगा तो मैच जीत जाएगा। आखिरी गेंद पे, अब आखिरी 3 गेंदों पे, यहाँ पे अब 4 रन चाहिए, भाई जीत गया, एआई नहीं हारने वाला, मुझे पता लग गया ये गेम कितना टफ है, आप पता लग गया, इसीलिए मैं कह रहा था मुझे रन चेज करना था, मुझे रन डिफेंड नहीं करना था, बिग मिस्टेक। ओ डॉट गेंद, सब नाटक है, सब नाटक है भाई, सब नाटक है गेम का। यॉर्कर डाल तो रहे हो भाई, पेस बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है यॉर्कर डाल तो रहे हो बट बाउंड्री जानी नहीं चाहिए, बाउंड्री गई तो सब गड़बड़। स्ट्रेट शॉट, रोकना होगा, रोकना होगा, किसी को तो रोकना होगा, रोक ले, रोक रोक रोक, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा शायद वो, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा भाई, मार थ्रो, 3 दौड़ नहीं 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 मुंह इधर किया लेकिन दौड़ा नहीं भाई। लास्ट गेंद आ रही है, लास्ट गेंद पे 1 रन करता है तो सुपर ओवर जाएगा, मैंने आज तक इस गेम में कभी सुपर ओवर देखा नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये, मुझे लग रहा चौका मारेगा लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बीट हो जाए, बीट हो जाए यार, रोक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, 2 रन ले रहा है, क्या मजाक कर रही है गेम भाई, हार गए, 60 टिकट हार गए हम लोग, कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था 60 टिकट, बर्बाद हो गया भाई यहाँ पे। रन चेज इज द बेटर भाई इस गेम में, एक चीज समझ लो आप लोग, अगर आपको इस गेम को प्रॉपरली खेलना, और आ रहा है क्या मौका, अच्छा हाँ और मौका मिल रहा है, कम ऑन गाइस, तब तो क्वालिफाई कर सकते हैं, मुझे लगा था एक मैच खेलेंगे आउट हो जाएंगे, नॉकआउट होगा, लेकिन नॉकआउट नहीं है, आपको और मैच खेलनी है, प्लीज रन चेज कराइए दिल्ली के सामने, मैं स्किप द टॉस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे टॉस देखूंगा। यू चूज द टॉल टेल्स, आई थिंक गिराबिट हार्ट, गिराबिट टेल्स से बॉलिंग लो फट से, हम रन चेज मारेंगे दिल्ली के सामने, आज एआई की परीक्षा होगी। एंड भाई रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने 133 के 133 लोग हैं भाई, अगर आप दिल से चाहते हो कि आज के दिन स्ट्रीम मतलब अच्छी स्ट्रीम हो तो प्लीज़ लाइक मार दो भाई वीडियो में, क्योंकि है ना क्या होता है भाई, मैं दूसरे लोगों से या उन लोगों से जाके नहीं बोल सकता जो लोग है ही नहीं स्ट्रीम पे या जो लोग बाद में आ रहे हैं, अभी के लिए तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो मैं तो ये चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं पहले वो लोग लाइक सपोर्ट कर दें, उसके बाद जिसको आना है आए, जो नहीं आएगा वो तो ठीक ही है, बट जो देख रहे हैं वो अपनी तरीके से सपोर्ट मार दें। मुरली ओपनिंग गेंदबाज है इस गेम में, इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को शायद, देखता हूँ इसमें ट्रॉफी सेलिब्रेशन आएगा, हाँ अंत में आएगा ट्रॉफी सेलिब्रेशन। और विकेट कीपर धोनी है, तो जिन लोगों को देखना हो इस गेम में धोनी का चेहरा कैसा है तो वो आप विकेट कीपर के चेहरे को देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि धोनी कैसे लगते हैं ड्रीम क्रिकेट 24 में। बाकी मेरी गेंदें तो मोस्टली भाई परफेक्ट ही जा रही है, मैं तो अपनी तरीके से बेस्ट गेंदें फेंक रहा हूँ, ये स्क्वायर लेग का कुछ करो यार, ये गेम RC24 को बीट करेगा। पहली बात तो भाई RC24 इसका कंपटीटर है ही नहीं कई मामलों में, हाँ फ्यूचर में भले हो जाएगा बट अभी के लिए तो ये गेम अपने आप को ही बीट करने के मूड में है, मतलब अपनी ही गेम से बेहतर गेम बना ले वही बहुत है, RC24 को क्या बीट करेगा भाई, वो RC24 का जो ब्रांड है वही 10 साल, हाँ 10 साल पुराना हो गया है, तो आते ही आप 10 साल पुराने वाले गेम को क्या हिलाओगे भाई उसकी जगह से।
ठीक है, मेरे को स्क्वायर लेग भरना है लेकिन मेरे पास कोई फील्डिंग है नहीं। हाँ ये एक है लेकिन इसमें ऑफ स्टंप खाली हो जा रहा है। मुझे ऐसी फील्डिंग चाहिए जिसमें दो तीन दो फील्डर। हाँ ये एक है बट इसमें पॉइंट पूरा। हाँ ये सही है, ये सही फील्डिंग है भाई। चलो देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर लेग लेकिन अरे फाइन लेग खाली हो गया, लेकिन फाइन लेग थर्ड मैन। अब कुछ तो खाली होगा ही भाई, सीधी सी बात है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इज लाइकली टू बी अनाउंस इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अभी तो भाई पूरा मजा IPL का चल रहा है, अभी तो वर्ल्ड कप याद भी नहीं आ रहा। मेरे को तो नहीं याद आ रहा कि वर्ल्ड कप भी है, क्योंकि इस समय या तो IPL ही, नहीं तो पछताने को होगा भाई, ये पक्का है। चाहे वो दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन हो, चाहे वो फिर हर्षल पटेल, तो पिटी गए हैं इसलिए बच गए हम लोग। नहीं तो ये सारे जो IPL के स्टार्स हैं ना, अगर उनका डोमेस्टिक में अच्छा नहीं है तो उनको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। LB के लिए जा सकते थे भाई, बहुत बढ़िया ओवर पूरा किया आप। आई थिंक तेज गेंदबाज को लाते हैं। हाँ बालाजी, लक्ष्मीपति बालाजी गोरे हो गए हैं, सब गोरे हो गए हैं भाई इसमें, सारे फॉरेन प्लेयर, सारे इंडियन प्लेयर गोरे, मतलब इतने गोरे कि वो लग ही नहीं रहे जिनके नाम लिए हैं, वो दिक्कत है। ये गेम में ब्लर क्यों आ रहा है भाई? मेरे में ब्लर आ रहा है क्या? पता नहीं, नहीं हो सकता है कि ये गेम आप में थोड़ा अलग दिखता हो। मेरे में तो ऐसा ही दिख रहा है जैसे आपको दिख रहा है। बाकी आपको अगर और ज़्यादा जानना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो आपको फुल HD के भी ऊपर ग्राफिक्स में मिल जाएगी। उसमें एग्जैक्ट टैबलेट में जैसा मेरे दिखता है वैसा ही दिखाई देगा, तो आपकी मर्जी। धोनी का चेहरा देख सकते हो भाई बिना हेलमेट के कैसा लगता है, जो लोग धोनी के फैन हैं उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी लक्ष्मीपति बालाजी तो बिल्कुल बालाजी नहीं लग रहे हैं, मुरलीधरन बिल्कुल मुरलीधरन नहीं लग रहे, बॉलिंग एक्शन भी नहीं है यहाँ तक दोनों का। कमेंट आ रहा है रोहित बुमराह रहेंगे। हाँ यार और भी हैं, एक दो प्लेयर और भी हैं जो मेरे ख्याल से रहेंगे। KL राहुल को भी सब लोग कह रहे हैं कि कंफर्म है। और एजिस, जो लोग कहते हैं इस गेम में एजिस नहीं है, ये रहा आंसर भाई, इस गेम में बढ़िया एजिस है। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग खेल रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बहुत पुराने समय में जा चुका हूँ, जब गौतम गंभीर एंड गौतम गंभीर और अच्छा दिल्ली में से हैं। हाँ वो कपड़ा एक्चुअली दिल्ली डेयर डेविल वाला नहीं है, इसलिए वही मुझे लगा मैंने ब्लू कपड़े में खेलते हुए नहीं देखा दोनों को एक साथ, अब याद आ गया। लेकिन क्या सीन था, वो एक्चुअली दिल्ली डेयर डेविल्स का कपड़ा था। एक और डॉट, मैंने इसीलिए कहा था भाई इस गेम में रन चेज करना बहुत आसान है, चाहे मैं हूं या AI हो, दोनों रन चेज बहुत आसानी से करते हैं। 12 गेंदों में 9 रन, 3 गेंदों में फिनिश कर रहा हूं मैं। अमित मिश्रा को लाया गया है, ये भी मुरलीधरन की राह ही पकड़ते हुए, जैसे मुरली ने पहली ओवर की थी वैसे ही इन्होंने भी पहली ओवर की, और मेरा पहला ही शॉट 6 रन। कमेंट आ रहा है KL राहुल बेस्ट है वाइट क्रिकेट प्लेयर। भाई ऐसे तो रविंद्र जडेजा को भी आप देखोगे ना रिकॉर्ड, तो एज अ बॉलर ही ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर। अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि रविंद्र जडेजा इज़ द मोस्ट ओवर रेटेड वाइट बॉल क्रिकेटर, किसी ने लिखा था आर्टिकल, उन्होंने बताया था कि किस तरह से रविंद्र जडेजा ने सिर्फ टेस्ट में बैटिंग एंड बॉलिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब वो एक तरीके से बॉलर हैं, बैट्समैन नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है मतलब उनके हिसाब से। मैच जीत गए हम लोग, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का अगला मैच आ रहा है यहाँ पे। आज के दिन आपको सारे IPL मैचेस देखने को मिलने वाले हैं भाई, कंप्लीट IPL आपको आज के वीडियो में दिखेगा। हर्षल गिब्स भी आ रहे हैं, और ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, एक एक ख़राब बात है मुझे लगी, आई थिंक यही कपड़ा RCPL 9 में है, RCPL 24 में है, RCPL 10 में है, RCPL 11 में है, सेम किट डेवलपर्स ने सारे RCPL क्या सेम IPL में डाल दिए सारी की सारी, इंडियन T20 लीग में कपड़े बदले ही नहीं इन्होंने, जो कि भाई सीधी सी बात है थोड़ी सी खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कपड़ा थोड़ा तो बदलना चाहिए। इवन जो छोटी छोटी गेम्स होती हैं, WCB जैसे था, क्रिएटिव मंकीज वाला गेम था, एपिक गेम्स का गेम था, उन सब में भी कपड़े थोड़े से बदले होते हैं, इन्होंने तो कॉपी पेस्ट ही मार दिया। रजत कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा नंबर 1, भाई मैंने क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा बट लोग कह रहे हैं, और आप अगर अगर रविंद्र जडेजा आपको इतने ही ट्रस्टेड है तो आपने सजेस्ट क्यों नहीं किया कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह कन्फर्म है। मुझे जडेजा का नाम कहीं नहीं दिखता प्लेइंग 11 में कंफर्म लिस्ट में है, मेरिट मेरे तो भाई वन ऑफ द मेरे चैनल पे तो जब भी देखो मैं उनकी तारीफ करता रहता हूँ, लेकिन ऑडियंस में से कोई नहीं कह रहा कि भाई उनकी जगह कंफर्म है। लाइक गोल धीरे धीरे 117 पे पहुंचे हैं भाई, थैंक यू सो मच। जिन भी जिस भी बंदे ने भाई जिस भी बंदे ने जिस भी बंदी ने भाई यहाँ पे लाइक किया है, थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो मार दो यार। मुथैया मुरलीधरन
अपना जादू दिखाते हुए स्पिन का पहली ओवर कमाल की फेंकते हैं यार, कमाल की। प्रो आशीष कह रहे हैं कि आरपी इज द बेस्ट विकेट कीपर, मुझे आरपी बोले मुझे आरपी सिंह लगे। ठीक है, एक और गेंद जो अंदर आने वाली है, अरे ये भाई मुरलीधरन का स्पिन है बहुत खतरनाक वाला भाई। अच्छा अच्छा वाइड गेंद लग रहा था ये, मतलब बैट पे लग रहा था, वाइड चला गया गेंद, इतना तगड़ा स्पिन मारा है इसने। संजू सैमसन की जगह नहीं बनती भाई, मैं अभी बात नहीं कर रहा वर्ल्ड कप की, मेरे को भाई गेम खेलने दो शांति से, और ये वाली गेम के बारे में बात कर लो, जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी बात कर दो, एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लो, चेन्नई सुपर किंग की बात कर लो। अरे यार मेरी अभी गंदी गेंद हो जाती, बच गया, क्योंकि भाई अभी कोई मतलब ही नहीं है आप अभी इंडिया और उसकी टीम चुनने का। हम लोग करेंगे लाइव स्ट्रीम कभी, प्लेइंग 11 बनाएंगे लाइव में इंडिया की, बट अभी मेरा ध्यान भाई अभी जो करंट मैच है उस पर से हट रहा है। ओवर भाई कितना हो गया, 5 गेंदें, ठीक है अच्छा 5 गेंदें बाकी, यहाँ पर नया ओवर आ रहा है। ठीक है किसी और को ट्राई करूँ, किसको ट्राई करूँ, मीडियम पेसर गोनी है, गोनी को नहीं ट्राई करना है, एंटनी को लाओ भाई मजा आएगा। एंटनी को दिखाया तो काला है लेकिन यहाँ पे आया वाइट गेंदबाजी करने, अब भाई एंटनी को गोरा बना दिया है तब तो भूल ही जाओ किसी को, वो एज गई है। कमेंटर एक नॉ बॉल डाल के दिखाओ ये फीचर है क्या। हाँ भाई मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है सलीन, अगर आप कभी वीडियो देखते होगे शॉर्ट वीडियो तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो डाला हुआ है हाउ टू बॉल अ नो बॉल, वो आप देख सकते हो। सीएसके इज अ ग्रेट टीम, यस भाई। और ग्रेट टीम क्या भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग टीम है, दुनिया की कह रहा हूँ मैं, इंडियन लीग की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की ये सबसे बेस्ट लीग टीम है। इसके जैसे टीम ना कोई और है, और इसने अपना फैन बेस बना के रखा है। अब उधर देखो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का कैसे कीचड़ किया उन्होंने इतना, और इधर देखो महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे चालाकी से एकदम शांति से भाई कप्तानी छोड़ दी, और अभी भी कई बार आपको कप्तानी करते हुए दिखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को दे दिया। ऐसे होता है मैनेजमेंट ऐसे टीम, हाँ ये बात अलग है कि बदनाम है टीम चेन्नई की, क्योंकि सट्टे का आरोप लग रहा है, अभी कल भी सट्टे का आरोप लगा, सट्टे का नहीं वो उसका चक्कर का पथिराना का एक्शन जो है वो बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इसका एक्शन जो है वो चक्का है, वो थ्रो फेंकता है, तो जानबूझ के आया उसको मौका दे रहा है चेन्नई को बैन कर दो। कमेंट आ रहा है 2050 में एंड्रॉयड का फ़ोन क्रिकेट गेम कैसा होगा, 2050 में भाई 10 साल में मोबाइल गायब हो रहे हैं, सब कुछ आपके चश्मे में होगा, आपके घड़ी में होगा, आप 10 से 15 साल सब कुछ आपके हाथ, आप जहाँ चाहोगे वहाँ स्क्रीन बना पाओगे, फ़ोन वोन सब आउटडेटेड हो जाएंगे। 12 गेंदों में 11 रन, ठीक है हमें तो भाई लॉपटी मारना है, हमारा फंडा तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन इस बार क्लियर फंडे में दिक्कत हो गई है, मार्थिव पटेल यहाँ पे शिकार बने आउट के होके, इससे तो रन बहुत कम है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट होता है। और सुरेश रैना आ गए, सुरेश रैना का ओरिजिनल चेहरा है इस गेम में, बट आई थिंक यूज़ नहीं किया इन्होंने इस मोड के लिए। परफेक्ट शॉट, 6 रन, शॉट देखना है ये वाला काफ़ी अलग, बैट रखा ही था कि स्विंग कर लिया भाई यहाँ पर। जीटी इज द बेटर टीम दे भाई, मेरे को नहीं लगता जीटी इज द बेस्ट टीम। अरे यार ये भी परफेक्ट था, बच गया सिंगर। कमेंट आ रहा है पथिराना बहुत दिन से ऐसी बॉलिंग कर रहा है, हाँ मैं कह तो रहा हूँ भाई वो तो कर ही रहा है, वो तो बीसीसीआई के आईसीसीआई ने उसको क्लियर किया है बॉलिंग करने के लिए, तो हाँ पर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। पर हाँ लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ही इज चकिंग द बॉल, वो चक कर देते हैं गेंद थोड़ी देर में, अरे रन आउट, ये बहुत गंदी फीलिंग होगी, बच चुका है, 1 रन आ गया। कह रहे पथिराना ने क्या जबरदस्त यॉर्कर डाली थी, हाँ कुछ लोग कहने लगे कि भाई मलिंगा से बड़े हैं वो, ऐसा है नहीं, मलिंगा जैसा भाई लिस्ट वो अभी पहुँचे नहीं है उस लेवल पर, बट हमारी छपरी ऑडियंस जो है, छपरी ऑडियंस हमारी नहीं मतलब क्रिकेट की जो छपरी ऑडियंस है, वो एक मैच में यॉर्कर भाई उस ऐसी यॉर्कर तो मैं भी डाल दूँ एक दो मैच में अगर मुझे मौका मिले तो भाई आप डायरेक्ट किसी बंदे को जिसने 10 साल 15 साल क्रिकेट खेला है और एक 1.5 साल 2 साल खेलने वाले बंदे को 3 साल खेलने वाले बंदे को आप
उस लेजेंड के साथ कंपेयर कर रहे हो तो भाई आप यू आर नॉट अ ट्रू क्रिकेट फैन, यू आर अ, अभी कहते हैं ना छपरी क्रिकेट फैन, छपरी क्रिकेट फैन बन जाओगे भाई आप अगर आप पथिराना को करते हो तो। सुपर स्टिकर देने से क्या होता है, सेम सुपर चैट जैसा ही है, सुपर चैट में आप मैसेज लिखते हो, सुपर स्टिकर में आप अपना कुछ भी एक्सप्रेशन एज अ स्टिकर डाल सकते हो, आपका स्टिकर आपकी आपके थॉट्स को बयान करेगा। ठीक है हमारी बॉलिंग आई है, मैं को बॉलिंग चेंज करनी थी, चलो कोई ना। एक और चीज़, अगर आपको बढ़िया बढ़िया ऑफ स्पिन कराना है ना तो प्रो वो अपनी उंगली से स्पिन कराया करो, वो ज़्यादा बेहतर होती है, वो बेकार है। मतलब अगर आपको बहुत अच्छा स्पिन कराना है तो, कमेंट आ रहा है ड्रीम क्रिकेट की कंपनी RC24 कंपनी से रिच है। भाई पहली बात तो गेम बनाने के लिए हाँ मतलब पैसा तो चाहिए नो डाउट, वो भी लाइसेंस वाइसेंस होंगे तो डेफिनेटली, बट पता नहीं यार मुझे नहीं मालूम कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसे वाली है। ये फालतू के कंपैरिजन है देखा जाए, मतलब फालतू के मतलब अब आपको बता थोड़ी रहा है ना, वो आपको क्या पता भाई कि जेट सिंथेसिस कितनी बड़ी कंपनी है। आप खाली इंटरनेट पर सर्च करना जेट सिंथेसिस कितनी बड़ी कंपनी है, आपकी आपकी आँखें जो है ना वो चौकन्नी रह जाएंगी, खुली रह जाएंगी भाई। ये जो जेट सिंथेसिस RC बना रहा है ना, ये RC तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है भाई उनका, उनका वो सचिन सागर को और ऊपर ले जाना चाहते हैं कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं यार ले जा पाएंगे कि नहीं वो तो अलग बात है। लेकिन आप देखना RC का जो है जेट सिंथेसिस जो उनकी मेन कंपनी है, उसके लिए तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है ये RC का, इससे तो उनको आई थिंक कॉन्टैक्ट बन रहे हैं इनके, पता नहीं यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़। बट पैसे के कंपैरिजन का भाई यहाँ मतलब नहीं, यहाँ पर टीम का भी होता है, टीम कैसी है, सब कुछ एक्चुअली टीम पे है। कितना चाहिए होता होगा रुपया बनाने के लिए, 10 लाख शुरुआती गेम बनाने के लिए? 10 लाख भी शायद ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ क्रैकिंग भी चल जाता है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर, तो मतलब आपको लोग चाहिए होते होंगे 10 लोग, मतलब जो ठीक ठाक गेम बना दे बेसिक, और थोड़ा नॉलेज होना चाहिए होता होगा। एक बार गेम बन गया तो फिर आप कर सकते हो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। ठीक है स्पिन तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन हाँ परफेक्ट रखना चाहता हूँ। इस बार पहली बार इन्होंने AI ने थोड़ा अच्छा खेला है यहाँ पर स्विप शॉट। ठीक है कमेंट आ रहा है 2 ओवर में इजी मोड है, हाँ भैया 2 ओवर में इजी मोड है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी मोड है हार्ड मोड है, हम लोग इंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं और चैलेंज के लिए खेल रहे हैं। मुझे चैलेंज तो अभी इतना नहीं मिला है, देखते हैं मिलना होगा तो, पहले मैच में ऑलरेडी हम लोग हार चुके हैं तो मुझे ऑलरेडी पता है कैसा लगता है। अरे देखा ये नया साउंड वो बज रहा है, ढोलक ढोलक और बोल्ड, भाई ड्रीम क्रिकेट 24 में बोल्ड रिप्ले नहीं आता ना इसका। हाँ यार ये गलत बात है कि ये बोल्ड जैसे रिप्ले को छिपा देते हैं, ये कैसे बेवकूफ़ी वाला है यार, बोल्ड वाला रिप्ले तो 4 बार दिखाना चाहिए इनको, 10 बार दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर बोल्ड। अरे ये कौन सी लाइन मिल गई है मेरे को पता नहीं, ऑटोमेटिक ही बोल्ड हो रहा है, मैं खाली बस अपनी तरीके से परफेक्ट गेंद फेंक रहा हूँ। अरे ये भी बीट एंड थोड़ा सा हो जाता है बीट तो मजा आ जाती, 11 रन से 13 रन हो गए हम। कमेंट आ रहा है ड्रीम क्रिकेट का फुल गेम कब आएगा, ड्रीम क्रिकेट का फुल गेम कब आएगा भाई ये कोई नहीं बता सकता, इवन जो गेम बनाने वाले हैं वो लोग खुद भी लाइव स्ट्रीम में आ जाएं तो भी वो लोग नहीं बता सकते, क्योंकि गेम बनाना इतना मुश्किल काम है ना एंड्रॉयड पे iOS पे, एंड्रॉयड पे स्पेशली, कि भाई आप कभी भी बग आ जाता है कभी भी। और दूसरी बात गेम कब अपडेट करनी है, RC का अपडेट क्यों नहीं आ रहा भाई, उनके पास तो सब कुछ रेडी है, उनको तो खाली एक नया गेम मोड डालना है कपड़े बना के, फिर भी अपडेट नहीं आ रहा ना और आप ड्रीम क्रिकेट का फुल वर्जन लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे हो, पता नहीं कब आएगा भाई कोई नहीं कह सकता यहाँ पर, क्योंकि गेम बनाना एक बहुत जटिल टास्क है, हो सकता है मेरे फ़ोन में चल जाए आपके फ़ोन में ना चले, हो सकता है सब कुछ हो गया सेव डेटा में दिक्कत आ गई, सब कुछ हो गया मालूम पड़ा है टॉस में मतलब रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, स्कोर कार्ड जज नहीं हो रहे, बहुत सारी दिक्कतें हैं, शॉट नहीं लग रहा है, एनिमेशन नहीं हो रहा, इस बोल्ड का एनिमेशन क्यों नहीं है गेम में, आपको क्या लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी गेम में तभी तो नहीं है बोल्ड का एनिमेशन, नहीं तो बोल्ड जैसा एनिमेशन तो सोचने वाली बात है यार, शतक के एनिमेशन क्यों नहीं हो। ये देखो LB आ गया, वो भाई फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग द LB, इतिहास बनता हुआ यहाँ पे LBW का। अरे यार लेकिन अच्छे से दिखाया नहीं यार, क्या कर रहे हो,
भाई। तो फाइनली हमको LBW देखने को मिला है यहाँ पे, आप देख सकते हो कौन से मैच में, चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के मैच में, और हमारी बैटिंग आ गई है। ठीक है भाई, अब मैच पे फोकस करो, नहीं तो खोली शॉट, अरे यार परफेक्ट मारा है, अरे ये दौड़ा भी नहीं रन, क्या कर रहे हो। कमेंट आ रहा है सचिन सागा में अपडेट आ गया लेकिन RC24 में नहीं आया। भाई आप खुद ही सोच लो, आप खुद ही सोच सकते हो कि आपको सही में लग रहा है कि ये गेम मतलब इतना आसान है बनाना, मतलब आरसी को सब कुछ रेडी है भाई। रितेश कह रहे हैं मैं सब कुछ प्रिपेयर हूँ, मेरे पास कॉइन आ गए, टिकट आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कॉइन टिकट का लगभग। कैच का कॉल देते हुए बट कैरी कर नहीं पाए हैं। RTS कह रहे हैं चैलेंज है एक हाथ से खेलो, भाई एक ही हाथ से खेल रहा हूँ मैं, दो हाथ से खेलने लायक गेम है भी नहीं भाई। आप दो हाथ से खेलते हो क्या? एक हाथ से खेलने वाला गेम है भाई, ये दो हाथ से खेलने वाला गेम नहीं है, और दो हाथ भी छोड़ो एक उंगली वाला गेम है भाई, ये वन टैप गेम है ये। मेरे को नहीं लगता कोई दो हाथ से खेलता होगा इस गेम को। हाँ मैं तो टैबलेट पे खेल रहा हूँ, शायद ये भी एक कारण है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। अरे फिर कैच का कॉल, लेकिन पकड़ते नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, दो हाथ से कोई नहीं खेलता। क्रिकेट 69 यहाँ पे लॉन्च किया गया बिग एंड स्टूडियोज के द्वारा भाई, गुड इंजॉय करो भाई आप, हमको नहीं खेलना 69 49। अरे गिर रहा है मेरा टैबलेट, अरे वन हैंड कैच कर गया, जीत तो जाएंगे, पांच गेंदों में 8 रन करना है, अनलेस कुछ धोखा हो जाए हमारे साथ तो बात अलग है। ठीक है लॉफ्टेड मैंने फुल डाल दिया 100%, फाइन लेग थर्ड मैन खा लिया, तो ट्राई करते हैं शॉट, परफेक्ट, और 4 रन, एक और लगा दो भाई मैच जीत जाओ यहाँ पर। क्रिकेट 24 से ड्रीम क्रिकेट बेहतर बन सकता है, एक साल में क्रिकेट 24 से ऑलरेडी बेहतर है ये गेम। बट हाँ, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी कमी है दुनिया के सारे गेमों में जो क्रिकेट 24 के पास है, कस्टमाइजेशन भाई, ये पावर है ना क्रिकेट 24 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। आप अपनी टीम बना सकते हो, अपना चेहरा बना सकते हो, अपना लोगो बना सकते हो, अपनी जय, ये क्या मारा अबे भाई, ये क्या जोक था अपना भाई, सब कुछ भाई एकदम अलग ही है। अपना भाई रिवर्स शॉट मारता है, 4 मैच हो गए टोटल 7, 14 मैच होंगे ना, अरे काफ़ी फ्लो ऑफ स्टेज क्या है यहाँ पर, अरे अभी तो बहुत टाइम है भाई, इसमें काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ये पंजाब आई है, चलो देखते हैं इनका कपड़ा कैसा है गेम में। एंड शोएब अख्तर टॉस जितवा देना, नहीं तो अभी पता लगेगा भाई, एक बार चेस करके भी देखते हैं कोई दिक्कत, अरे कपड़ा मस्त है। टेल्स आ गया, अरे गलत आ गया, अपोनेंट डिसाइड करेगा। एक चीज नोटिस कर लो, अपोनेंट अभी टॉस जीत के बैटिंग ले रहा है, लेकिन जब प्ले ऑफ आएगा ना तो वो बॉलिंग लेगा, वो रन चेज करेगा। और दोपहर में मैच हो रही है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, दोपहर में मैच हो रही है, बहुत तगड़ा यहाँ पर कलर निकल के आया, एकदम येल्लो येल्लो, चेन्नई का कपड़ा ही नहीं दिख रहा। विजय कह रहे हैं कि जैसा ट्रेलर में दिखाया, भाई ट्रेलर का मतलब क्या होता है गेम के, ट्रेलर का मतलब, और उनको भी मालूम है कि वो इस तरह से ट्रेलर बना के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, भले गेम बकवास हो बट एटलीस्ट डाउनलोड करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा देंगे। अब गेम इतना भी बेकार तो है नहीं कि लोग तुरंत डिलीट कर देंगे, एटलीस्ट अभी थोड़ा बेहतर हो गया है तो, पर सबसे बड़ा काम है लोगों को गेम डाउनलोड करवाना। 500 MB या 800 MB या जितने भी MB का है मुझे याद नहीं, मेरा 187 MB का अपडेट था, लेकिन जो इतना अच्छा ट्रेलर बना रहे हैं इसका मकसद एक ही है भाई, किसी तरह से एक बार बंदे को गेम चालू करवा दो बस। उसके बाद थोड़ा बहुत गेम प्ले देख लेंगे, गेम प्ले तो भाई बहुत अलग होता है, वो तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है भाई, आप पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठे थे। ग्राउंड शॉट, कमेंट आ रहा है इमेजिन करो अगर रॉकस्टार वाले क्रिकेट गेम बनाए, भाई मुझे रॉकस्टार पॉकस्टार नहीं चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है 2K वाला एक ठीक ठाक गेम बना सकता है, बट ये वाला 2K वाला नहीं, असली 2K वाला जो असली मैनेजमेंट होता है, वो असली दिमाग वो जो लगाते हैं डेवलपर्स, वो जो ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट वाला दिमाग नहीं भाई, मतलब मैनेजमेंट टीम अलग हो थोड़ी, जिसकी सोच अलग हो, मेरी मेरी मेरे को ले लें टीम में, वो वाली क्रिकेट गेम हिट हो जाएगी। अगर ऐसा हो पाया तो ठीक है, परफेक्ट गेम, दो दो रन निकाल रहे हैं, बट फिर भी उतना चैलेंजिंग देना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। क्रिकेट 24 मेरे हिसाब से सबसे रियलिस्टिक गेम है भाई, इसीलिए कहता हूँ खेलो भी गेम, वो खाली कमेंट मत करो,
जो बंदा क्रिकेट 24 नहीं खेला है वही ऐसे कमेंट कर सकता है, जो दूसरों के वीडियोस देखा है, जो नकली नकली वीडियोस हैं जिसमें बंदा जानबूझ के लेग स्टंप खा लिया फिर भी डॉट खेल रहा है पूरा, पैरों पे गेंद आने पे भी और एक्टिंग कर रहा है, अरे भैया अरे दद्दा रे तो डॉट गेंद हो गई, इसको तो मैं नहीं मार पाऊंगा भाई, सीधी सी बात है बेवकूफ़ है वो, बेवकूफ़ी बना रहे हैं मतलब। ओ शॉट है यार, क्या प्यारा क्या जबरदस्त मार रहा है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये मारा छक्का लाजवाब जबरदस्त, माही मार रहा है, अरे भैया माही मार रहा है, ये बात अलग है कि माही तो विकेट कीपिंग है यहाँ पर, कोड मास्टर भी क्रिकेट गेम बनाता है, अरे हाँ भाई बहुत सारे कोड मास्टर भी आ जाए तो भी अच्छा है, THQ भी आ जाए, सब आ जाए, THQ ऐसे भी बहुत सारे तरीके की गेम बनाता है, स्पोर्ट्स की भी बना रहा है वो, बट 2K वाला है ना टेनिस में आ गया, 2K वाला बॉक्स रेसलिंग में है, 2K वाला रेसिंग में है, 2K वाला और भी है, 2-3-4-5 कैटेगरी में है 2K वाला, क्रिकेट में आ सकता है वो, बट देखो कब आता है पता नहीं। बैटिंग में शॉन मार्स है, यस भाई ऑरेंज कैप विनर, ठीक है कमेंट आ रहा है कि पर सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, भाई तो आप ही थे क्या जो बोल रहे थे क्रिकेट 24 बेस्ट है, तो भाई बेस्ट क्यों कह रहे हो, अगर वही हो तो दूसरा बंदा हो तो पता नहीं, किसी ने कमेंट किया था क्रिकेट 24 इज द मोस्ट रियलिस्टिक गेम, नहीं ये तो दूसरा बंदा है भाई, ठीक है आरुष की तरफ से सुपर चैट आता हो भाई, सॉरी आयु आरुष आज मैं राजस्थान नहीं बनाऊं, ऐसे तो मैं राजस्थान बना ही नहीं, मैं तो चेन्नई बनाऊं क्योंकि सब लोगों ने चेन्नई का वोट दे दिया था, नहीं तो अभी का कैंपेन हम लोग चेन्नई के साथ करते। अरे बैटिंग आ गई क्या, हाँ तो पहला गेंद भाई, धर्मशाला में हो रहा है मैच, अच्छा ये नया स्टेडियम अनलॉक हुआ है धर्मशाला का, अभी मेरा ध्यान गया भाई इस गेम में, सुपर है, एंड भाई थैंक यू आरुष धार फॉर द सुपर चैट सपोर्ट, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट धर्मशाला स्टेडियम लग रहा है मेरे को, बहुत मतलब हिमालय का कलर बहुत अच्छा है और ये रेड कलर बहुत ब्राइट है, कंजूसी नहीं किए कोई भी किसी भी तरह की कलर डालने में, भर दिया है, लाल मिर्चे को भी लाल बना दिया और ज्यादा, आज प्रेडिक्शन में हार गए भाई, मैं सेंचुरी के लालच में रह गया, करवा लूंगा करवा लूंगा करवा लूंगा, उसने ऑफ स्टंप यॉर्कर डाल दी पूरी, पूरा गेम पूरा मूड सब बिगाड़ दिया भाई, ये कैच ना करवाना, मुझे लगा हो जाएगा भाई, मुझे तो ऐसा था अंत की दो गेंदों में भी हो जाएगा, उसने 19वीं ओवर में शॉट गुडलैंड गुडलैंड डाल दी, 20वीं ओवर में अलग ही कुछ डाल दिया यहाँ पे, कमेंट आ रहा है ये गेम अभी भी जिंदा है, जिंदा है भाई आप कहीं खो गए हो जो आप ऐसा सवाल कर रहे हो, दिस गेम विल अबाउट टू ब्रेक, रिकॉर्ड तो नहीं ब्रेक करेगा अभी बट हाँ ठीक गेम है, ट्राई करेंगे लोग दुनिया में, इसके ऑडियंस बढ़ने ही वाली है फ्यूचर में। युवराज सिंह राइट स्पिनर कब से बन गया, अच्छा हाँ युवराज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं तो भाई आप लोगों की कमेंट में ही खोया हुआ आधे से ज़्यादा, इसीलिए कह रहा था मैं टाइमिंग गलत है, एंड हाथों में विकेट निकाल लिया, 6/5 ओवर समाप्त हुआ है, कौन आएगा देखना होगा, धर्मशाला स्टेडियम देख लो आप लोग, मेन तो वही है बहुत अलग, पीयूष चावला यंग मैन, अभी भी यंग मैन पहले भी यंग मैन, कितने लोग कह रहे थे, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि जब मेरा बेटा 22 साल का था तब वो पीयूष चावला, नहीं ऐसा कुछ था कि जब उसका बेटा छोटा था तब पीयूष चावला 22 साल का था, आज उसके बच्चे के बच्चे हो गए हैं तब भी पीयूष चावला 35 साल का ही हुआ है, ऐसा कुछ किसी ने कमेंट किया था, ट्वीट किया था कि ये पीयूष चावला पता नहीं कितना एज छिपा रहे हैं, बट मेरे को नहीं मालूम, मैं उसका ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ, मेरी सोच नहीं है ये, पहले ही बोल दो, सब बोलेंगे भाई संगीत भाई क्यों पीयूष चावला के पीछे पड़े, भाई मैं नहीं पढ़ा लेकिन उसने ट्वीट किया था ऐसा कि जब मेरा बच्चा था तब वो पीयूष चावला 22 साल का था, आज उसके बच्चे के बच्चे हो गए हैं तब भी पीयूष चावला 35 साल का ही हुआ है सर, उसकी उम्र बढ़ ही नहीं रही, वो पता नहीं कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी उम्र पता नहीं, टॉस जीते हैं अब बॉलिंग ही करते हैं ना भाई कोई टाइम से, अरे बॉलिंग हाँ सही है सही है, बॉलिंग सही है, मेरे को क्वालिफाई करा दो प्ले ऑफ में, उससे पहले मस्ती नहीं, सबसे यंग तो थाला है, बट भाई यंग थाला है वो सबको पता है, उनका नहीं पता है इसलिए बोल रहा हूँ, पीयूष चावला का किसी को नहीं पता वो यंग है कि ओल्ड है, थाला को तो पता है कि यंग है वो, आपका अगर पता है कि आप अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बुरे हो तो भी अच्छी बात है,
से कम आपको पता तो है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जिनका पता ही नहीं होता ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई इनके साथ अच्छा व्यवहार करें कि बुरा। एक और चीज़ आई, लेफ्ट साइड में मैग्नीफायर ग्लास का क्यों निशान आ रहा है? एक मिनट लेफ्ट साइड में देखना भाई। मुझे तो आज हार्दिक का सोच के डर लग रहा है भाई। लग जाना 7 बजे टीवी पे सब लोग। ये क्या? अच्छा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। अरे ये किस काम का भाई, मेरे कुछ ज़्यादा काम का नहीं लग रहा। मैं तो 4 तारीख के लिए एक्साइटेड हूँ भाई, जब हम मैं जाऊँगा मैच देखने। क्या लग रहा है, पंजाब जीतेगा गुजरात जीतेगा? और मैं पता नहीं व्लॉग कर पाऊँगा कि नहीं। नहीं भाई, थोड़ा नर्वस भी हूँ व्लॉग को लेके मामले में, क्योंकि मैं मेरा गोप्रो बिगड़ गया है और मोबाइल से मैंने फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग किए नहीं। अब फिर मैं जाऊँगा तो एक साथ 40-50 हज़ार लोगों के बीच में फिर मेरे को व्लॉग करना है। थोड़ा सा नर्वस तो रहूँगा, देखते हैं। सबसे बड़ा है 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट बहुत नर्वस होता है भाई, नर्वसनेस फील होता है जब आप पहली बार जेब में से मोबाइल निकालते हो। आजू बाजू वाले बंदे देख रहे होते हैं क्या कर रहा है ये, रिकॉर्ड वेकॉर्ड क्यों कर रहा है इसका, मुंह देखने लगते हैं। वो फीलिंग थोड़ी सी अजीब होती है, फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजू बाजू वाले शून्य हो जाते हैं मेरे लिए। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं और लोगों से बातचीत भी करूँ जो आजू बाजू देख रहे हैं मैच, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती भाई कई बार, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ तो कोई अलग माइंडसेट नहीं हो पाता। देखेंगे भाई इस बार क्या होता है। ड्रीम क्रिकेट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ है भाई, बहुत तरीके हैं गेम डाउनलोड करने के, मुझे नहीं मालूम। मैं अब गूगल पर कर लेना, APK डाउनलोड कर लेना। मैं अभी बताने बैठूंगा तो मेरा दिमाग की दही हो जाएगी भाई, मेरे को अभी नहीं बताना, बट आप गूगल कर लो तरीके कैसे करते हैं। कमेंट कह रहे हैं कि पीयूष चावला, इफ्तिकार अहमद तो भाई नहीं अच्छा प्लेयर है। मतलब मैंने जितनी बार भी उसको मैंने जितने भी मैच देखे इफ्तिकार अहमद के, वो अच्छा खेले ही नहीं किसी मैच में। और जो मैच में मैंने नहीं देखा, अचानक पेपर में पढ़ा तो 46 मार लिया। अरे ये बहुत गंदी गेंद, बच गई गैप में, फिर भी मार दिया किसी तरह से। अभी RC24 का अपडेट आया तो इसका मतलब 1 मंथ में 2 अपडेट आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है भाई। RC24 अभी हो सकता है, RC24 शायद ड्रीम क्रिकेट का ही इंतजार कर रहा था अपडेट का, शायद हो सकता है। क्योंकि WCC का तो सबको पता था कि उनका NPL अपडेट आएगा, वो लोग कुछ नया नहीं कर रहे। बट किसी को ड्रीम क्रिकेट का आइडिया नहीं था कि ड्रीम क्रिकेट क्या लाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा ये भी नहीं पता था, क्योंकि कंप्लीट न्यू गेम मोड है ये। अल्ट्रा ग्राफिक्स नहीं पता था कि अल्ट्रा ग्राफिक्स आएंगे। थोड़े से डेवलपर सही होते ना, सही इंसान होते डेवलपर तो अच्छा रहता, थोड़े रिस्पॉन्सिव होते, थोड़ा सा अपना काम निकाल के दूसरों का भी थोड़ा करते होते तो अच्छा होता। एटलीस्ट रिस्पॉन्स ही दे देते इंसान की तरह तो भी अच्छा था। ये चीज़ मुझे ख़राब लगी है ड्रीम क्रिकेट के मैनेजमेंट की। सुबजॉइट कह रहे हैं जो आपको वियर्ड नज़र से देखे उसको बोल देने का, ए वेडिया बैट का ग्रिप निकाल के है ना, ए ए ए ए वेडिया, उसको समझ में नहीं आएगा भाई। यहाँ गुजराती लोग हैं, वेडिया का मतलब असल गुजराती में भी खराब ही होता है, बट ठीक है। आरुष कह रहे हैं मैं जयपुर जाऊँगा। अभी CSK का मैच आ रहा है यहाँ पर, RCB का मैच आ रहा है यहाँ पर गुजरात में, जिसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। CSK पर CSK का देखा हुआ है तो पता नहीं जाऊँगा कि नहीं। RCB का देखने का मूड हो रहा है, और भी हैं सारे मैचेस हैं, टोटल 9 मैचेस हैं, मतलब 4 तारीख के बाद 6 मैचेस और हैं कोई, और 2 प्लेऑफ हैं यार, ये तो भूल ही गया मैं। कैच आउट संभाल के भाई। क्या RCB भाई, देखो RCB फॉरेन प्लेयर के मामले में एक जैसे गेंदबाज है, तो वो तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि लेना चाहिए कि नहीं। अगर अलजरी जोसेफ अच्छा नहीं खेल रहे तो डेफिनेटली भाई सोचना चाहिए उनको, बट हो सकता है कि मैनेजमेंट सपोर्ट भी करेगी, थोड़ी देर और खिला लो, दो मैच और ऐसे टूर्नामेंट निकल जाएगा। कोहली का यॉर्कर शॉट नहीं है, अगर कोहली ने उस दिन रॉस को यॉर्कर पे मारा होता तो ऐसा मारते, यही बैक फुट पे मारते तो कोहली शॉट बन जाता, शॉट ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, मैं कहाँ मारूं, ये सब गेंदें मिडल लेग ही दे रहा है, ये थोड़ी सी चीज़ मुझे ख़राब लगी इसकी। इस गेम मोड में अधिकतर गेंदें आप मिडल लेग ही आ रही है, बहुत ऑफ स्टंप नहीं आ रही, थर्ड मैन नहीं मार पा रहा मैं, फाइन लेग नहीं मार पा रहा मैं। आल भी मार कर आया, आई थिंक ये पहली बार मैंने, हाँ 2 विकेट गिर गई 5 में भाई, थोड़ा संभाल के 8 बॉल में 4 हैं, एक शॉट लगेगा तो भी काम बन जाएगा। थर्ड मैन मार लेते हैं, बहुत देर से नहीं मारा, ठीक है गैप में चला गया है, लॉफ्टेड शॉट था, 2 निकालेंगे हम लोग, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
RC24 कंपनी अनरियल इंजन में गेम बना सकता है ना ग्राफिक्स में। भाई डेवलपर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, डेवलपर्स तो भाई पुतला हैं, डेवलपर्स तो पुतले हैं भाई। क्या आपको लगता है क्रिकेट फैन अगर कोई डेवलपर होगा, पता नहीं है कितने लोग हैं, मतलब क्रिकेट फैन तो होंगे ही डेफिनेटली, तभी बना रहे हैं क्रिकेट की गेम, बट क्या उनको नहीं लगता होगा कि भाई ये गेम में ये कमी है? क्या आपको नहीं लगता WCC3 के जो डेवलपर्स हैं उनको नहीं लगता होगा कि गेम ऐसा हो गया है? क्या वो लोग अपनी गेम नहीं खेलते होंगे भाई? सीधी सी बात है, समझने वाली बात है ये तो, बट उनके हाथ में है ही नहीं, उनके हाथ में पावर ही नहीं है कि वो गेम का एक कोड चेंज कर सके। उनको तो टीम मैनेजमेंट वाला बोलेगा कि भाई कल से गेम को ऑनलाइन ओनली बना दो, तो वो ऑनलाइन ओनली बना देंगे, फिर इंटरनेट आपको कंपलसरी चाहिए होगा। सचिन सागा में क्या है भाई, सचिन सागा में आप क्विक मैच में भी 1 सेकंड के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, चलेगी नहीं गेम आपकी, कर लो जो करना हो, तुरंत वहीं के वहीं स्क्रीन अटक जाएगा। आने वाले वक्त में रियल में भी यही होने वाला है, RC में साथ हो भी गया हो पता नहीं। तो ये चीज भाई बहुत है अजीब। अरे टेस्ट टेल्स टेल्स अदब से हारेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं बॉलिंग ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। MS धोनी का लास्ट IPL इसलिए फाइनल चेन्नई में ही है भाई, उससे कोई मतलब नहीं था। आई थिंक ये तीन ऑप्शन हमेशा रहते हैं, वानखेड़े, चेन्नई एंड ओपनिंग भी तो चेन्नई में हुई थी, उसका क्या लॉजिक है? वो दिया होगा उनको भाई कि हाँ इस बार आप ले लो, और चेन्नई पहुंचेगी कि नहीं श्योर थोड़ी ना है, हो सकता है चेन्नई इस बार अहमदाबाद में ही हारे क्योंकि तो लास्ट टाइम जीती थी। ठीक है पेस बढ़ा दो, 11 बॉल बाकी हैं, डॉट से शुरुआत। मुरलीधरन हीरो रहे भाई हमारे, बहुत मस्त गेंदबाजी की है, फ्लिक शॉट नहीं लेने दे रहे, थोड़ा सा और तेज करो भाई गेंद को। ठीक है 10 गेंदें बाकी हैं, ड्रीम क्रिकेट 24 में हम लोग मचाते हुए तबाही। पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे मुझे नहीं पता, RC को पता है गेम को क्या चाहिए। RC को भाई कुछ नहीं पता, RC को पता तो है, पता होने से कुछ नहीं। क्या आप, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, पता तो सबको है, WCC को 2 साल पहले ही पता था गेम को क्या चाहिए, बट कर नहीं रहे ना वो लोग। मैनेजमेंट को क्या चाहिए वो सोचो आप, जो टीम ऊपर वाला है, जो बंदा मैनेजमेंट की पोस्ट में, वो क्या चाहता है उस पर डिपेंड करता है। मैं अगर WCC का मेन हूँ, मैं बोलूँगा भाई हटा दो मैं NPL, तो हटा देंगे NPL, अरे फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप में से कितने लोग NPL को पसंद करते हो। RCPL निकाल दो ऑक्शन, हटा देंगे कल से, RCPL ऑक्शन गायब भाई, टाटा बाय बाय, करो खेल लो जो करना है कर लो, नहीं खेलना है गेम मत खेलो, मेरे दिमाग में कुछ और सोच है। मुझे लगता है मैं RCPL ऑक्शन से बेहतर गेम मोड दे सकता हूँ आपको। ठीक है एक तगड़ा स्पिन करा रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पर स्पिन करने में, ये आखिरी गेंद है, 5 रन दिया है मुरलीधरन ने, बहुत तगड़ा स्पिन होने वाला है गेंद। ग्लव्स पे लगता हुआ, ठीक है कह रहे हैं सुबजॉइट, कह रहे हैं कि ओपनिंग का ये लॉजिक है कि CSK IPL जीती थी, हाँ थोड़ा बहुत सुनने में लग रहा है सही, सुनने में थोड़ा बहुत सही लग रहा है। शॉट, अब फिर वही बैट फटा हुआ आवाज आ रहा है, लेट्स गो। और अहमदाबाद में तो भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं आने वाले 10 साल में, अहमदाबाद स्पोर्ट्स हब बन जाएगा इवेंट का, 10 साल होने दो खाली, फिर देखो सारे आप पेपर में हर रोज सुनोगे अहमदाबाद में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। अनलेस सरकार बदल जाए तो बात अलग है, मोदी जी की जगह कोई और आ जाए तो बात अलग है। ऐसे 4 साल में तो नहीं लग रहा होगा, बट 4 साल, 6 साल बाद, 8 साल बाद आप सुनोगे कि सारे इवेंट, नेशनल गेम्स अहमदाबाद में हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में हो रहा है, एशियन गेम्स अहमदाबाद में हो रही है, एक बार फिर LB के लिए जा रहे हैं। DRS है कि नहीं, DRS है कि नहीं? गुस्से में है, काफी ज्यादा गुस्से में है यहाँ पे, पहली बार आउट थे, इस बार नॉट आउट डिसीजन आया है मुंबई के सामने भाई, तो कितना रियलिस्टिक था ये। DRS नहीं दिया भाई वो 2008 में तो था, नहीं 2008 में पता नहीं 2008 में था कि नहीं। यहाँ पे कह रहे ड्रीम क्रिकेट 24 की फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हो रही है, नहीं भाई ड्रीम क्रिकेट 24 की इससे पहले लाइव स्ट्रीम हुई है, आप लोग लाइक सपोर्ट और वो वीडियो नहीं मार रहे तो मेरी गलती नहीं है, ये गलती आप लोगों की है भाई, सपोर्ट मारो फटफट, इतने कम सपोर्ट से नहीं चलेगा भाई ज़्यादा दिन, वीडियो पे फिर रहना पड़ेगा मेरे को, वीडियो पे जिंदा। कमेंट आ रहा था बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है लोगों के
गुड। ठीक है, एक और परफेक्ट गेंद, जवाब नहीं होगा। लॉफ्टेड मार दिया धर्मशाला के मैदान में, खूबसूरती से भाई पूरे मैदान का दर्शन करा के गई है गेंद। फिर दिखाएगी बॉल के साथ जाना चाहिए कैमरा। हाँ दिखा 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 भाई। हाँ अमित चक्रवर्ती कह रहे हैं कंपनी आपके जैसे यूट्यूबर से नहीं पूछते कि नहीं भाई, पूछते हैं अपना काम करके निकलते। छोड़ो भाई वो अलग ही टॉपिक है, पूछा है पूछा है भाई। 12 में 15, मारो सिक्स, लगा दिया, हिमालय की ऊंचाइयों को छूता हुआ ये शॉट। अब बम अभी भी फूट रहे हैं, पहले ही रिप्ले में बम फूटने लगे हैं। बोल्ड के रिप्ले में पता नहीं क्या होता होगा इसलिए रिप्ले छुपा दे। कैमरा मैंने नहीं बदला यार, थोड़ा सा अलग मजा भी ले लो यार गेम का, हर बार एक जैसा ही मजा ले रहे हो आप लोग तब से। हाँ थोड़ा सा अलग मजा, थोड़ा सा अलग रोमांच। एक रन ले लिया, ठीक है 11 में 10 में 8, 10 में 8। प्रो जॉयस्टिक कंट्रोल आएगा तो गेम मस्त हो जाएगा। गेम में शॉट ही कितना है, गेम में फ्रंट फुट बैक फुट है इतना अच्छा जो आपको प्रो जॉयस्टिक चाहिए, या प्रो जॉयस्टिक के नाम पे फ्रॉड चाहिए। कई गेम में है जॉयस्टिक के नाम पे फ्रॉड भाई, कुछ नहीं है, कुछ फ्रंट फुट बैक फुट कुछ नहीं, सिर्फ नाम का जॉयस्टिक, वो जॉयस्टिक दे दिया है, बोल दिया वो प्रो जॉयस्टिक है। एक्चुअली प्रो जॉयस्टिक का मतलब होता है कि भाई उसमें बैक फुट फ्रंट फुट सब कुछ हो, पुश लॉफ्ट ग्राउंडेड एडवांस सब कुछ हो, जैसा आरसी में, सिर्फ आरसी ही एक गेम है जिसके अंदर एक्चुअल में प्रो कंट्रोल है, बाकी मुझे नहीं आता कोई और गेम में हो प्रो, असली असली प्रो कंट्रोल जो होता है बैक फुट फ्रंट फुट लॉब एडवांस डिफेंस पुश। जीत गए एक और मैच भाई, क्वालिफाई तो कर जाएंगे आज, आज क्वालिफाई तो कर जाएंगे। अरे कर गए, ओ भाई चेन्नई वर्सेस बैंगलोर आ रहा है मैच, ठीक है ऑल गुड भाई, तैयार हो जाओ, बट मुझे लाइक थोड़े से देने होंगे आप लोगों को भाई इसके बदले। मैच चालू कर रहा हूँ बट कहाँ है, कितने लाइक हुए अभी, 182 भाई, 200 लाइक्स करवा सकते हो, मज़ा आ जाएगा अगर कर देते हो तो। मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक रहा हूँ, हम लोग फाइनल खेलने जा रहे हैं मेरे को। अरे मैंने अभी तक 60 टिकट लगाए थे दांव पे, मैंने 90 टिकट अर्न कर लिए हैं। मैं अगला मैच जीतता हूँ तो मुझे 55 टिकट मिलेंगे, बट मुझे पता है क्या लग रहा है, मेरा रन रन डिफेंड आएगा देखना। लिख के दे रहा हूँ भाई कि रन डिफेंड आएगा। एक और बात, सोमवार से ऑक्शन चालू होगा शतम का, दो टीमें खरीदना बाकी है। अगर भाई आप में से कोई भी टीम लेना चाहता हो तो प्लीज़ टीम बाय कर लो, जो भी है भाई जिसको भी लगता हो कि टीम बाय करनी है तो प्लीज़ बाय द टीम शतम की। मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट चेक कर सकते हो आप लास्ट वाला, वहाँ से आप शतम की टीम बाय कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ठीक है भाई, 200 लाइक भाई जल्दी, इस बार प्ले विद फ्रेंड्स खेल लीजिए। नहीं भाई अभी नहीं खेलना, अभी हम चेन्नई वर्सेस बैंगलोर खेल रहे हैं। कमेंट आ रहा है आप RC24 के CEO हो नेक्स्ट, एक मिनट भाई ये मैं कमेंट उनको भेजूंगा आरसी वालों को। भेजता हूँ उनको, अरे टेल्स ले लो भाई। भैया पक्का बॉलिंग लेगा, ये देख लेना बॉलिंग लेगा, देख यू विल बॉल फर्स्ट। थैंक यू भाई, फाइनल में पहुंच गए हम लोग, पक्का फाइनल में पहुंच गए भैया हम लोग। अब मुश्किल है कि कोई हमें फाइनल में हटा दे यहाँ पे। लेट्स गो, ठीक है भाई ये मैच तो जीत गए पूरी ताकत से, मुरलीधरन जुड़ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एंड जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं किया है, पूरा मैदान खाली है आपके लाइक गोल का इंतजार करता हुआ पूरा स्ट्रीम। पहली गेंद 6 रन, बट ये अलग ही, कौन आया, रोस टेलर बैंगलोर का, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आ चुका है यहाँ पे। अरे हाँ अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है बैंगलोर भाई, ये तो चीटिंग कर ली, मेरे को खिलाना था ना चिदम्बरम में, ये क्या नाटक कर लिया गेम ने। अब भाई डॉट चलियो, डॉट चाहिए, डॉट चाहिए मुझे यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है भाई, साफ साफ चीटिंग है। पहली गेंद पे 6, अरे दूसरी पे चौका। अरे सुभजीत कह रहे हैं सोचो आप 10-on-10 हो जाओगे, भाई ये क्या चल रहा है गेम में, लेकिन फील्डिंग इसने रीसेट क्यों कर दी, मुझे धक धक क्या, पक पक भक पक सब कुछ हो रहा है भाई अंदर।
ये क्या गेंदबाजी हो रही है भाई, दो छक्का चौका, ये 3 ओवर 2 ओवर का स्कोर कार्ड है, 12 गेंदों का डॉट चाना। हाँ मिल गया मिल गया, अपील हुई है मुरलीधरन यहाँ पे पूरे जी जान से, और इस बार उंगली उठ गई है झटका यहाँ पर देते हुए। प्ले ऑफ चल रहा है और हम देख रहे हैं किस तरह से एनिमेशन आता है जब विकेट गिरती है, लेकिन रिप्ले नाम की कोई चीज नहीं है गेम में, पता नहीं क्यों, बोल्ड में भी नहीं है, एलबी में भी नहीं है। और ये तब था जब सही डिसीजन आता है, रॉन्ग डिसीजन मैं दिखाता हूं आपको। अच्छी गेंद, बड़ा शॉट नहीं होना चाहिए, फील्डिंग का असर, मेरे ख्याल से फील्डिंग का असर था वो, मुझे लग रहा है ऐसा। कमेंट आ रहा है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, भाई वो आपको 2 गेंद पे ही लग गया, लो अब क्या लग रहा है। भाई बहुत जल्दी निराश हो जाते हो यार, आप सपोर्टर नहीं हो, आप एब्डोमेंट सपोर्टर भी इससे ज्यादा सपोर्ट देता है। गैप 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 गैप, ठीक है एक आएगा, एक से ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं, 15-16 तक ठीक है, उससे ज्यादा बन गया तो मेरे को भी 3-4 हिट 3 हिट मारने पड़ेंगे बड़े, तो कुछ होगा। पहली ओवर खत्म हुई है, हाँ हो तो गई है भैया, आप संभाल लेना फास्ट गेंदबाज, हॉर्न बजा दिया है, तालियां बज रही है यहाँ पर, चीयर अप होता हुआ, कैच, ओ नो, वाह भाई वाह भाई, प्ले ऑफ चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है, WCC4 आएगा तो अलग है भाई, क्या WCC4 भाई, जो गेम है वो खेलो, वो अनाउंस करेंगे यार WCC वाले, व्हेन द राइट टाइम विल कम। गैप गैप गैप, ठीक है, मोटा भाई का स्क्रिप्ट है ये, आज अप्रैल फूल है संगीत भाई, यस तभी तो आपने मेरा टाइटल नहीं देखा। ठीक है, एक यॉर्कर, मन तो नहीं कह रहा, मेरा दिल नहीं कह रहा कि कौन, विराट कोहली नहीं आया यार, विराट को दिखाओ यार, 2008 का विराट, और कपड़ा बिल्कुल बैंगलोर का नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल बैंगलोर का नहीं लग रहा। और एक और बात भाई, 4 तारीख को मैं पंजाब की जर्सी भी बाय करा, कियांश के लिए कौन सी जर्सी बाय करूँ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, सजेस्ट कर दो भाई, मैं कियांश के लिए कौन सी टीम की जर्सी बाय करूँ, एक इंडिया का जर्सी है उसके पास, बट अभी थोड़ा बड़ा पड़ता है उसको, अभी जो भी लूँगा वो भी थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, बट कौन सी टीम का जर्सी लूँ देखूँगा मैं, अगर मुझे लगा सही प्राइस है तो। सुभजॉइट कह रहे हैं आप फूल बन गए मेरे एक कमेंट से, भाई वो आप फूल नहीं, वो आप सही में कह रहे थे, 2 छक्का और छक्का चौका पड़ने के बाद सबको यही लग रहा था। ठीक है, एक लास्ट बॉल है, कुछ बड़ा ना होना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डबल मैक्सिमम आ सकता है, वो भी नहीं दौड़ेंगे, दौड़ गए, रनआउट का चांस, इस गेम में अभी तक रनआउट हमने नहीं देखा है, और इस बार भी नहीं देख पाएंगे, मैंने कहा था 16 से ज़्यादा मत मानना, इन्होंने 17 मार लिए, 1 रन ज़्यादा, और किस्मत देखो 18 का चेज है, मतलब मैंने कहा था मैं 3 बड़े शॉट मारूंगा, और गेम एग्जैक्ट 3 बड़े शॉट का आया हुआ है। पेंसिल लगाइए पीछे देखो नटराज की, स्टंप नहीं मिले तो, इसे कहते हैं डेडिकेशन भाई, आपको खेलना है तो इस तरह का लगाओ। ठीक है, कैमरा चेंज कर रहा हूँ मैं, तीसरे चौथे, अरे प्रो कैम आ रहा है ये तो, अरे बहुत डेंजर कैम है भाई, अरे डॉट गेंद, अबे तेरे को अभी प्रो कैम लगाना है, हाँ अब मत लगा रही हो, थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहे, तो एक्शन किसका है, अरे परफेक्ट चाहिए शॉट, थोड़ा सा मुश्किल है स्कोर कार्ड, और अब शॉट ही नहीं आ रहे। रियल क्रिकेट 25 आने वाला है सितंबर में, हाँ भाई आ रहा है। बनाऊं क्या वीडियो एक, तो गाइस आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लाया हूं मैं, आज आपके लिए आ रहा है रियल क्रिकेट 25 सितंबर में, जी हाँ मेरे खास दोस्तों ने बताया है कि नॉटिलस वाले एक सीक्रेट गेम पे काम कर रहे हैं, और उस गेम का नाम होने वाला है रियल क्रिकेट 25, तो दोस्तों लाइक कर देना इस वीडियो पे, गेम लॉन्च होने वाला है, आप लाइक करोगे तो ही लॉन्च होगा, वरना लॉन्च ही नहीं करेंगे, आरसी वाले बोल रहे हैं कि ये बंदा वीडियो पर डालता है, इसकी वीडियो पर लाइक करो, हम लोग तो फ्री में ही काम करते हैं, हमको सैलरी मत देना, इसकी वीडियो पर जरूर लाइक कर देना। भाई मैच छूट रही है हाथ से, हाँ एक सेकंड, बॉल बैट्समैन तो चेंज करा, कौन आ रहा है लेफ्ट हैंडेड, सुरेश भाई आपके ऊपर है सब कुछ, कम ऑन सुरेश भाई, 8 में 13, अभी भी फील्डिंग खाली है, बाद में फैल जाएगी, बोलना मत बैठ के, फिर रोने वाली नौबत आएगी। अरे भाई क्या मस्ती कर रही है गेम, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, कैमरा चेंज कर, पनौती कैमरा है, इसी को तो बकरा बनाऊंगा मैं, कैमरे को बकरा बना रहा हूँ, चल भाई चल चल, मार्कल मार, परफेक्ट, अबे क्या बैटिंग कर रहा है, 6 में 12,
एस खान कह रहे उसने पहले अगस्त में बोला था, अरे भाई अनिल कुंबले आए गेंदबाजी करने, और ये अनिल कुंबले कम बुमराह ज्यादा लग रहे हैं फोटो में। फाइनल खा लिया कि थर्डमैन खा लिया देखना पड़ेगा, खेलने के बाद ही पता लगेगा। परफेक्ट, दैट्स अ सिक्स, यस। अंकुर कह रहे कंपनी का नाम मत लो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। अरे नहीं भाई नहीं लूंगा, यूट्यूबर्स को आप कॉपीराइट से ही डरा सकते हो, और कोई तरीका है नहीं। स्लोवर कहाँ डाल दी, चलो चलो गैप गैप गैप, मैच जीत गए भाई, अब मैच जीत गए, अब नहीं हारने वाले, पहुंच गए फाइनल में भाई। जो लोग भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं भाई, 200 लाइक होने वाला है बहुत करीब, और 299 का लाइक गोल है, पता नहीं यार आप लोग। फिर मैं अभी फिर मैं को उसमें क्या ना वर्टिकल स्ट्रीम करना पड़ेगा भाई, फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं क्या करूँ बताऊँ। वर्टिकल स्ट्रीम में मुझे करना, मेरा मन नहीं होता वर्टिकल स्ट्रीम करने का, बट आप लोगों के कम सपोर्ट, शॉट कम सपोर्ट के कारण करना पड़ता है भाई। अभी मैंने वर्टिकल स्ट्रीम किया होता ना तो 300 का होता वॉचिंग, एंड टोटल व्यू 10,000 8,000 9,000 हो जाते इस वीडियो में। तो कम से कम भाई इतना तो कर दो, लाइक में तो पैसे भी नहीं लग रहे और ना ही कुछ एफर्ट लग रहा है, मात्र मात्र और मात्र फ्यू सेकेंड्स। आरसीबी हार गया, हाँ यार आरसीबी फिर हार गया सेमीफाइनल में, एंड दिल्ली आया एंड पंजाब पहुंचा था। स्कोर देख सकते हैं, नहीं स्कोर नहीं देख सकते। अगला मैच मैं जीतता हूँ तो मुझे 145 टिकट मिलेंगे भाई, मज़ा आने वाला है यहाँ पर। कार्तिक कह रहे हैं मेरे में अपडेटेड शो नहीं हो रहा है, भाई मैंने तो प्ले स्टोर से अपडेट की है, मुझे नहीं मालूम वो आप में कैसे हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हैट्स के साथ जा रहा हूँ मैं, यू चूज हैट्स एंड इट्स हैड भाई। आई थिंक फाइनल जीत गए हम लोग, महेंद्र सिंह धोनी क्या है यार, मतलब चेन्नई बनवाना था आपको मेरे को, किसी और टीम को कभी 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 तो कप उठाते हुए देख लो भाई, आप लोग भी यार एक ही बंदे एक ही टीम को एक ही प्लेयर को चुनते हो यार। अमन सिंह कह रहे हैं WCCTV के मैनेजर से बात करो और उससे, भाई मैंने उनको बहुत बोल दिया, इवन वो लोग भी जानते हैं कि क्या गेम में अपडेट करना है, लेकिन वो अपडेट वर्क नहीं कर रही भाई। सेलिब्रेशन दिखाना है, यस भाई तैयार हो जाओ, फाइनल में इस समय चल रहा है, लास्ट टाइम 2 छक्के मारे थे, देखना इस बार फील्डिंग तो बदली हुई है, शायद 6 नहीं मारेंगे। बाकी मुरलीधरन भैया आप फाइनल में ही चौक कर गए थे बहुत गलत वक्त पे, 2 दौड़ेंगे आराम से। डगआउट देख लो, डगआउट चेन्नई का एंड दिल्ली का, फाइनल में दिल्ली पहुंची है भाई हमारे गेम प्ले में IPL के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार स्विंग स्पिन बाहर की तरफ है, 11 गेंदों का गेम यहां से बाकी रहेगा। अरे ये क्या कर, अरे मैं इंतजार करता रह गया और ये मिस कर गया शॉट, कैच दे दिया। फाइनल में मुरली चला है भाई, फाइनल में मुरली चला है यहां में, और ये वानखेड़े लग रहा है मेरे को कि वानखेड़े है ना, हाँ वानखेड़े है शायद, मैंने देखा नहीं अभी तक, पर वो ब्लू कलर की थीम है तो वानखेड़े ही, हाँ मुंबई है मुंबई, वानखेड़े वानखेड़े। शिखर धवन आए भाई, ठीक है मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, मजा आएगा इनके सामने गेंदबाजी करने में। स्पिन पूरा झोंक दिया है, जितनी ताकत है मुरली की उंगलियों में, एंड गुड गुड रिलीज, वेरी गुड रिलीज, डॉट गेंद। चेन्नई फाइनल हारेगी, RCB आर्मी कह रही है भाई आप अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे, चेन्नई को क्या हारवाओगे। सॉरी भाई थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, पर सीरियसली कह रहे हैं चेन्नई हारेगी आपकी टीम, भाई मेरी टीम नहीं हारेगी, मेरी टीम की चिंता आप मत करो, आप मत करो भाई। और एक बार बोलते ठीक है, 10 बार बोल रहे हैं चेन्नई हारेगी चेन्नई हारेगी। फाइनल चल रहा है, यस भाई दिस इज द फाइनल ऑफ IPL इंडियन लीग T20। IPL कहना थोड़ा सा गलत हो, स्टंपिंग करना कीपर, सब गार्डन में घूमने वाले कीपर ले आए पकड़ के हम लोग। ठीक है, फ्लिक शॉट भाई, 300 लाइक कराओ तो हम लोग और स्ट्रीम करेंगे, अदरवाइज दिस इज द लास्ट मैच, कम ऑन गाइस 300 के करीब पहुंचाओ, 250 कर दो मैच खत्म होने से पहले, कम ऑन। आपने रोस्ट नहीं डीप फ्राई कर दिया था, अरे बट वो बंदा RCB का आर्मी है, RCB आर्मी है। और भाई एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आप इतने कल एक न्यूज़ आई है कि एक बूढ़े आदमी को शायद वो MI का फैन था, CSK के फैन ने मार डाला, कि CSK का फैन था MI के फैन ने मार डाला उसको। भाई ऐसे फैन मत बनना आप, कि कोई क्रिकेट की लड़ाई में आप दूसरे बंदे को मार डालो, ऐसा मत करना बहुत। और एक और भी कुछ आया है कि CSK के फैन ने कल किसी और को भी कुछ किया, धमकी दी या पता नहीं क्या भाई, CSK MI के मतलब रोहित शर्मा के भी फैन गुस्से में है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, क्रिकेट फैंस ऐसे क्यों हो गए भाई, पहले नहीं थे ऐसे, पहले शायद रहे भी होंगे पता नहीं चलता होगा,
तो जियो आ गया, 1.5 GB डेटा फ्री है तो कहाँ यूज़ करें। दुबई आ रहा है यहाँ पर, दुबई के यहाँ से बीच में घुस गया। एमआई के फैन ने मार दिया डंडे से। हाँ भाई ऐसा ही कुछ है, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं। 4 रन, चलो थोड़ा सा फाइनल इंटरेस्टिंग बनेगा इस चौके से शिखर धवन के। अप्रैल आ गया, आरसी का अपडेट नहीं आया भाई। आरसी वाले बोलते कौन सा अपडेट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं कैसे कहूँ। ठीक है, यॉर्कर लेंथ है, अरे थोड़ा सा अर्ली दब गया, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा रन मार रही है, कम से कम 16-15 मार लेती ना मजा आती, लेकिन फाइनल में 7। ठीक है देखते हैं क्या होता है। बाउंसर एक डाल देता, अरे हाँ मैंने बाउंसर नहीं डाली इस गेम की, सबसे बाउंसर गेम भाई, दिस इज द हाईएस्ट बाउंस गेम इन ड्रीम क्रिकेट 24। कमेंट, हाँ 5G में तो अनलिमिटेड डेटा है, बट भाई 5G फोन है नहीं सबके पास, और ये बैकफुट एकदम बर्बाद तरीके से खेलते हुए, सिर्फ और सिर्फ 10 रन का चेज आया। चलो अच्छा है कि कम से कम डबल डिजिट में आया है, नहीं तो डबल डिजिट भी हमारे नसीब में नहीं होता है यहाँ पे। तो फाइनल जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए 12 गेंदों में 10 रन। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से करते हैं हम लोग, 2 बॉल में या 3 बॉल में देखना होगा। ऐसे तो देखा जाए 2 बॉल में 3 बॉल हो सकती है, 87 का रेटिंग है। ठीक है लॉपरेट, कैमरा बदल रहा हूँ मैं, प्रो कैम खेल रहा हूँ मैं, भी चैलेंज ले रहा हूँ, 2 गेंद या 3 गेंद लूँगा उससे ज़्यादा नहीं, और मुझे भरोसा है कि मैं मार सकता हूँ ये भी बता दूँ मैं। अरे भरोसे का एकदम भैंसुरा हो गया भाई, हेलीकॉप्टर खेला था, धोनी की बैटिंग ही ला दो अब और क्या कहूँ मैं, मेरे को ऑप्शन मिल नहीं रहा कहीं चेंज करने का, कहीं है बैटिंग ऑप्शन चेंज होने का। व्यू टीम है, व्यू टीम है, बट आप चेंज नहीं कर सकते। ये टू बैट, महेंद्र सिंह धोनी कब आएंगे, ये रहे नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है धोनी थोड़े से धोनी जैसे लग रहे हैं फोटो में एटलीस्ट, पर उसके लिए मुझे 3 4 विकेट गिरवानी पड़ेगी, वो बहुत दिक्कत है। अरे फिर टाइमिंग में गड़बड़, लगता है धोनी का आना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, 2 गेंदों में 2 भाई गेम, मैंने कहा था 3 या 4 गेंदे, तो देखते हैं। आज ड्रीम क्रिकेट में आईपीएल ऑक्शन, ड्रीम क्रिकेट में आपको क्विक मैच में आईपीएल नहीं आने वाला, क्विक मैच में आईपीएल नहीं है भैया, वो आएगा तो अभी पता नहीं कब आएगा, मतलब ऑक्शन ऑक्शन नहीं आने वाला, ऑक्शन का कहाँ प्लान करेंगे ये लोग, ऑनलाइन गेम बनाने के मूड में थे आप, इनको क्विक प्ले गेम बना रहे हो। LBW इस बार पहली बार हम लोग हो रहे हैं, बच गए भाई, अब कैमरा चेंज कर दे, इज्जत से इज्जत से इज्जत से भाई, हम नॉट आउट पे ऐसा रिएक्शन देता है ये। ठीक है भाई चुपचाप से कैमरा एंगल चेंज कर लो, 9 में 10 करना है, मैच हाथ से निकल जाएगी, पावर प्ले खत्म हो गया, तो दिक्कत ही दिक्कत है। डबल रन नहीं आ रहे हैं, अरे फाइनल में मस्ती कर ली मैंने, फाइनल में मस्ती पड़ेगी भारी मेरे को, बहुत गंदी वाली भाई। लेफ्ट हैंडेड मैथ्यू हेडन, ठीक है ये मारेगा छक्का, कितना चाहिए, 9 रन चाहिए ना, 2 शॉट। ठीक है इसी ओवर में फिनिश करो तो मान जाऊंगा मैं, मैथ्यू हेडन कुछ है, मैथ्यू हेडन की इज्जत दांव पे लगा दी मारेगा ही ना, सीधी सी बात है भाई, बेचारे मैथ्यू हेडन को बकरा बना दिया यहाँ पर, बोल दिया मैथ्यू हेडन अगर नहीं मारते तो उनकी इज्जत गई भाई। ठीक है मैं रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, ठीक है लेट्स गो, आवाज आवाज आ रही है मेरी, एंड ये लगा 6 रन, और इसी के साथ पता नहीं भाई मेरी आवाज जा रही है कि नहीं अब तक, मुझे नहीं मालूम, एंड गेम की आवाज, और भाई ट्रॉफी सेलिब्रेशन आ रहा है इस गेम का, मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूं। ओ क्या धमाकेदार सेलिब्रेशन है, और कितना खुश है, और ट्रॉफी पड़ी, ट्रॉफी इतनी, ये सिल्वर की, ये ब्रॉन्ज की है क्या, पित्तल की है भाई, पित्तल की ट्रॉफी थी क्या, अजीब है कलर, कुछ अलग ही आ रहा है यहाँ पे। कमेंट आ रहा है लैग हो रहा है, भाई नहीं मेरे में तो लैग नहीं हुआ, मैंने तो मस्त रिकॉर्डिंग किया है, इसका शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं कि कैसे जीतता है यहाँ पर, एंड यस थोड़ा लैग हो रहा है भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आवाज़ आ रही है ना मेरी, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड वी वन द कॉन्ग्रेचुलेशंस इन वीडियो गेम्स, चेन्नई इज द, और आप लोग भी ट्राई करो भाई, मैंने कहा था लाइक गोल 250, कितना हुआ 250 भाई, 250 कहा था, 215 नहीं, क्लेम प्राइस एंड एग्जिट कह रहा है यहाँ पे 145 मुझे मिले, सिर्फ 145 मिले, अच्छा इस मैच के 145 मिले, ये मेरी पूरी समरी, और पूरे टूर्नामेंट की समरी आ गई है, मुंबई बैंगलोर चेन्नई राजस्थान हैदराबाद पंजाब, और भाई पूरे टूर्नामेंट की समरी बन के आती है इसमें,
अच्छा किया है काम ये डेवलपर्स ने कि सबका दिखाते हैं। क्लेम प्राइस एंड एग्जिट, मुझे 145 टिकट्स मिले हैं भाई यहाँ पे, तो अब मुझे बता दो मैं इसको रिवॉर्ड में जाके यूज़ करूँ क्या। मेरे को अगर इलाइट प्लेयर, मुझे प्रवीण कुमार मिल जाएंगे एलिट प्लेयर में 179 में, ठीक है मैं एक एपिक प्लेयर ले सकता हूँ, बाकी कुछ है नहीं। प्रवीण कुमार के लिए मैं 179 में 200 नहीं खर्च करूँगा। ये ऊपर वाला क्या है, 75 to 79, एक ये वाला है, लेकिन इसके लिए बहुत कॉइन चाहिए। मेरे पास दो रास्ते हैं भाई, अब स्ट्रीम तो लगभग मैं नहीं कर रहा क्योंकि लाइक गोल आप लोगों का सपोर्ट दिखाने मेरे को आज भी वीडियो में। भाई रिक्वेस्ट है 3 बजे का लाइव स्ट्रीम होता है तो भाई आप आ जाया करो यार सब लोग, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 3 PM अराउंड 3:15 देख लिया करो, 3:15 3:30 पे भी तो लगभग आ जाएगा तब तक। अल्ट्रा ग्राफिक्स थे वो तो आपने देख ही लिए, लो हो गए, अल्ट्रा हो गए, अल्ट्रा ही रख रहा हूँ मैं। म्यूज़िक ऑफ है, रहने दो भाई यहाँ पर, ठीक है। डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है भाई। मैं अब क्या करूँ ये मुझे बता दो, नहीं तो मैं स्टोर में खर्च करूँ कि नहीं, क्योंकि फिर मुझे ये वाला गेम मोड खेलना पड़ेगा, 2009 वाला कैंपेन। 2009 में पता नहीं कपड़े बदले हैं कि नहीं, एक सेकंड मैं खाली एक एक मैच खेल ले रहा हूँ देखने के लिए कपड़े बदले हैं कि नहीं 2009 में। पिटाई की पित्तल की ट्रॉफी, हाँ पित्तल जैसी थी भाई, कोई कलर नहीं था, कोई साउंड, उससे अच्छा तो इमोजी में आ रहा है उससे ज़्यादा कलर तो। अरे कपड़ा नहीं बदला है आलसियों ने, ऐसा लग रहा है। सामने कौन सी टीम है, सामने कौन सी टीम है ऐसे भाई, नाम बताओ सामने वाली टीम का जो टीम बन के मैं खेल रहा हूँ। चेन्नई तो नहीं है, चेन्नई तो सामने है, ये हैदराबाद, अरे इंडिया की टीम है। अच्छा नहीं, मेरा कपड़ा है वो तो, अरे यार हम तो टीम के सामने खेलते हैं। अरे समझ गया भाई, नहीं 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 कोई कपड़ा नहीं बदला है यार, ड्रीम क्रिकेट वालों ने इतनी आलस की, कपड़े भी नहीं बदले यार चेन्नई के, 2009 में भी सेम ही है। ठीक है भाई मैं रिवॉर्ड में अनलॉक करा रहा हूँ, ऐसे तो मैं 200 कॉइन दे के चाहूँ तो ऐसा कर 200 कलेक्ट कर ले, दो बार अनलॉक करा, ठीक है। मैं दिल्ली वाला भी अनलॉक कर रहा हूँ, मेरे को 11 टिकट मिलेंगी, सही है भाई, सही है सही है, मेरे को 11 मिलेगी। एक और मैच खेलेंगे तो हमको हमारे पास 200 हो जाएंगे, 200 में मैं दो बार एलिट अनलॉक कराऊंगा, उम्मीद करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। कैमरा ऑन कर दूंगा मैं, कैमरे में रिएक्शन भी नोट करेंगे हम लोग। परफेक्ट टाइमिंग से मारियो भाई, 2 गेंदों में ही ख़त्म कर दो गेमिंग, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, कोई कैच वैच नहीं है, सीधा 6 रन है भाई, ठीक है। एक और की जीत गए, एक और 4 रन चाहिए। कम ऑन मैन, यू कैन इजीली डू इट एज आई बिलीव, एंड टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ है बट 4 रन देगी। नहीं नहीं रुक रही है, 3 रन ले लो, 3 रन भी बहुत रेयर है, 4 रन दौड़ के ले लो तब तो इतिहास बन जाएगा गेम का। ओवर थ्रो होते नहीं है, डायरेक्ट थ्रो ज़्यादा लगते। चलो एक और दौड़ा देता हूँ, नहीं दौड़ा ही नहीं, RC जैसा है ये। तेज की डायरेक्शन गलत है बट छुआ दे यार, 8 गेंदों में 1 रन। भाई हम 2 एलिट कार्ड अनलॉक करने वाले हैं, मुझे नहीं पता उस एलिट कार्ड में मुझे क्या मिलेगा, फिंगर्स क्रॉस। स्किप नहीं कर सकते आप, स्किप का बटन दिखा नहीं या चला नहीं, जो भी है। ये कैमरा एंगल भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मैजिकल कैमरा एंगल फीलिंग नहीं देता। 6, कितना छोटा परफेक्ट बीटर था, एम बॉयल आए थे, एंड मैं बस दुआ करता हूँ कि फेमस प्लेयर निकले। जीत गया था, हो गया। चलो भाई 11 टिकट आ गए, एक और खेलना पड़ेगा, मेरे पास 197 टिकट्स आ चुके हैं। एक और एंड यू गाइस एंड आई विल। इसमें बॉलिंग में क्या करना होता है, 6 बॉलों में 9 रन डिफेंड कराने, हाँ करा दो, 6 में 9 तो हो ही जाएंगे डिफेंड शायद। ओ रशीद खान को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, अरे यार क्रिकेट 24 से भी अच्छा बनाया है भाई इसके अंदर तो, और क्रिकेट 24 में तो चेहरे कैप्चर किए गए हैं भाई, और तब भी इतना अच्छा नहीं है, इन्होंने कैसे कर लिया यार, मानना पड़ेगा इस बात में तो। काफ़ी सही है भाई, शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ अपनी, थोड़े से रिस्पॉन्सिव छोड़ो भाई उन, ठीक है। डॉट गेंद, 2 गेंदे 2 बड़े शॉट चाहिए होंगे कम से कम, अगर देखा जाए तो शायद 3 भी अगर चौका मार देते हैं तो, ठीक है। ये परफेक्ट मीटर थोड़ा कम हुआ है लेकिन हमारी गेंद है परफेक्ट। 200 कॉइन होने वाले हैं हमारे पास, 200 टिकट्स होने वाले हैं हमारे पास, और उसके बाद हम लोग 2 एलिट कार्ड्स अनलॉक करेंगे। अरे गलत गेंद, बच गए, वो मार ही नहीं पा रहा, अब तो हर गेंद पे मारना पड़ेगा। 3 में 9 हो गया भाई, अब तो चौकों से और छक्कों से बातें करनी होंगी तभी बात बनेगी, और छक्का लगता है तो बेस्ट होगा। 1 रन आ गया मतलब 2 बड़े शॉट, ठीक है पॉसिबल है। एहसान करें, लगता है DC डिवालों की बस, पता नहीं क्यों नहीं की भाई, इतना तगड़ा ट्रेलर बना, ट्रेलर पे खर्चे नहीं करने थे उनको गेम पे खर्चे करने थे, गेम के उस ट्रॉफी के ऊपर। बंदा पहली ट्रॉफी जीता मैंने कभी कुछ गेम में, और वो भी ऐसी गंदी ट्रॉफी की,
कोई ले भी ना, ठीक है। 2% बैटरी थी, आरसीबी आर्मी की अभी भी चल रही है। गजब फोन है भाई, कौन सा फोन है। लास्ट बॉल एंड वी वन द मैच एंड वी आर अबाउट टू ओपन द एलिट कार्ड। 200 टिकट्स मैं खर्च कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास कोई टिकट नहीं बचेंगे, तो फिर भाई पता नहीं मैं कैसे करूँगा, कोई मेरे को मदद करने वाला भी नहीं है भाई गेम में। ठीक है भाई, वी वन द राउंड। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए इतिहास में पहली बार हम लोग एक साथ दो एलिट कार्ड्स अनलॉक करने जा रहे हैं। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। अभी तक तो मैं मस्त एकदम चिल करके बैठा था, लेकिन अब कैमरा ऑन होने जा रहा है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया वीडियो कैप्चर। ओके, फ्रेम लगा दो। गोल्ड वाली बेकार है, ये वाली भी बेकार है, ये वाली ठीक है भाई, ठीक है। कहाँ गया रिवॉर्ड, हाँ ये रहा भाई, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 बार एपिक कार्ड अनलॉक कराऊं, 4 बार एपिक कार्ड अनलॉक कराऊं, या 2 बार एलिट कार्ड अनलॉक कराऊं। एक और तरीका है मेरे पास, या तो फिर मैं एक एलिट कार्ड कराऊं, ये 250 वाला, ये वाला कार्ड जो है ये ऊपर की तरफ, ये वाला, ये इधर वाला, ये वाला कराऊं कि इसके नीचे के साइड वाला करवाऊं। अच्छा वो तो प्रवीण कुमार नहीं चाहिए मेरे को यार, मैं बॉलिंग करता ही कहाँ हूँ। लेजेंडरी प्लेयर 600 में मिलता है यार, और लेजेंडरी प्लेयर मतलब ये मोहम्मद कैफ टाइप, मोहम्मद कैफ और ये सब, और क्रिस गेल और वो सब तो भाई ऑल स्टार वाले, वो तो बहुत आ गए भाई यहाँ पे। KW कह रहे हैं कि मत करो अनलॉक रिवॉर्ड। अच्छा ऐसा है, ठीक है कर देते हैं भाई, आप लोग इसी उम्मीद के साथ हैं। ठीक है, पहला अनलॉक कर रहा हूँ। आनंद राजन आए हैं भाई, अरे इसको मैं जानता हूँ, इसको कहीं देखा है मैंने, कहाँ देखा है इनको, लेजेंड्स लीग में खेलते हैं। ओके, एक और ड्वेन स्मिथ। अब मेरी टीम देख लो, मेरी टीम में क्या चेंजेस है, अभी तो इसमें कोई दिख नहीं। शाहीन अफरीदी क्या कर रहा है, अबे भाई शाहीन अफरीदी कहाँ है, बस इनमें किसको शाहीन अफरीदी दिख रहा है, मैं नहीं, और जेम्स एंडरसन भी दिख रहा है मेरे को, मैंने कभी चेहरे देखे नहीं इनके। जेम्स एंडरसन, शाहीन अफरीदी और कौन है आप देख लो, मुझे शाहीन अफरीदी तो पूरा दिख रहा है भाई, और जेम्स एंडरसन भी दिख रहा है। आप लोग कुछ सेकंड के बाद बताता हूँ कहाँ पे हैं वो लोग, बाकी मैं टीम यहाँ पे सेट कर रहा हूँ हाईएस्ट स्टार के हिसाब से। ड्वेन स्मिथ ओपनिंग करेंगे, अब 67 का रेटिंग हो गया है, और टीम टू में भी हाईएस्ट स्टार, ठीक है। चेंज कैप्टन, चेंज कैप्टन, कैप्टन बना दो कोरी एंडरसन को, ठीक है। अरे हाँ, अब अभी भी है, अभी भी एंडरसन कहाँ गया, एंडरसन आउट हो गया, एंडरसन है, एंडरसन बैठा हुआ है, और तीसरे नंबर पे देखो भाई आपको शाइन ऑफ दिखाई देगा। बाकी मैं शाउट आउट के लिए पढ़ रहा हूँ भाई यहाँ पर, शाउट आउट, बिग थैंक यू जाएगा यहाँ पे आरुष धार को भाई, थैंक यू सो मच आरुष फॉर द सुपर चैट सपोर्ट, आज के दिन का एकमात्र सपोर्ट आया था, तो थैंक यू आरुष का। उसके अलावा भाई अभी थोड़ी देर कमेंट आ जाए तो मैं बताऊँ, स्ट्राइकिंग कह रहे जेम्स हेंडरसन राइट वाला था, हाँ भाई पहले राइट वाला था, फ्रीदी तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर एस खान कह रहे हैं अभी तीसरे नंबर पे है, नीचे से तीसरा एंड्रू फ्लिंटॉफ है। अच्छा तारी, ये दूसरे वाले को कह रहे हैं मेरे हिसाब से, दूसरे वाले को जो ऊपर दूसरे नंबर का है वो, अभी तो टीम बदल दी है मैंने, कैमरा बदल दिया है मतलब, तो शायद संगीत हैज़ गॉन मैड। अनय पांडे यहाँ पे आते हुए, थैंक यू समीर यहाँ पर, अखंडे, पवन कुमार, गेमिंग फाइटर, एस खान यहाँ पर है, आरसी ट्रॉफी चोरी हो गई यहाँ पे, अंकित वर्मा यहाँ पर जुड़ते हुए। भाई कल भी लगभग मैं यही गेम खेलूंगा शायद, और किसी और टीम के साथ खेलेंगे हम लोग मोस्टली शायद। अभी तक मैंने कोलकाता के साथ नहीं, कोलकाता के साथ तो खेला हुआ है, और ये देखो मेरा लीडर बोर्ड, 2 ही विन है मेरे, मैं नहीं जीत रहा भाई, 150 विन वाला बंदा नंबर एक पे है, और सबसे बड़ी दिक्कत है 60 दिन खेलना है यहाँ पे, 60 दिन कौन खेलेगा भाई इसको, एक दिन में 75 ट्रॉफी मिल सकती है आपको, मतलब आज का मेरा गया, आप कल ही कुछ करना पड़ेगा। चार वाला मैच जाओगे, चार वाले मैच में मैं जा रहा हूँ भाई, 4 तारीख को तो मैं जा ही रहा हूँ भाई, मेरे फेवरेट के दर्शन हो सकते हैं शायद, ठीक है। गेमिंग फाइटर अंकित वर्मा, अंकुर कोठारी, आर्यवर्ट, विकास आहूजा, राघव अम्बरेशिया कह रहे हैं किट चेंज कर दो, मेरी मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट किट है, मुझे बाकी सब किट बेकार लगी एक्चुअली, ये वाली अच्छी है लेकिन ये वाली डिफॉल्ट है, मेरे को डिफॉल्ट वाली जर्सी नहीं रखनी, और ये वेस्ट इंडीज़ वाली लग रही है मुझे, वेस्ट इंडीज़ वाली नहीं लग रखनी, और बाकी सब में मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने ये वाली रखी, ये वाली नहीं रखूंगा मैं, ये तो हर जगह फोटो में आती है तो मुझे हर जगह वाली नहीं रखनी। वी मोडवाड़िया, अंकुर कोठारी, गेमिंग फाइटर, थैंक यू सो मच भाई, सभी का शुक्रिया मैं कर रहा हूँ एंड वीडियो को, मिलेंगे मिलूंगा कल के दिन, मॉर्निंग में वीडियो आया था तो भाई जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लो, प्लीज़ जाके लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा सा देख लो भाई, सपोर्ट कर दो थोड़ा,
डाउन रहते हैं तो भाई दिक्कत हो जाती है। एक मिनट, ये फिल्टर क्या उन सब प्ले हो रहा है? ये क्या प्ले हो रहा है? एक सेकेंड, ये क्या है? अच्छा वो केम फ्रेम है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया क्या है। मुझे लगा वो स्क्रीन पे क्या प्ले हो रहा है भाई। टेक केयर एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड डे।